अरे माँ बस बस बहुत पेट भर गया है। खा ले कल तो तू चला जाएगा, वहाँ परदेस में माँ के हाथ की रोटी कहाँ मिलेगी। और बहू अचार और मिठाई की डब्बे भी रख देना इसके सामान में, वहाँ ये चीजें नहीं मिलेंगी। अरे पिताजी आजकल यूके में सब कुछ मिलता है। लेकिन लस्सी कहाँ मिलेगी। लस्सी भी बहुत मिलती है लेकिन घर की नहीं मिलेगी, अब तेरे हाथों से नहीं मिलेगी। वीर वीर कहाँ है आज। वीर कह के गया था कि आज उसे फार्म में देर हो जाएगी, इसलिए हम खाना खाकर वहीं आ जाएंगे। भैया 3 साल में सिर्फ 3 महीने, कुछ दिन और नहीं रुक सकते। नहीं वीर, टिकट और फ्लाइट दोनों बुक हो चुके हैं, अगर कल ना गया तो वहां फैक्ट्री से जवाब मिल जाएगा। लेकिन जाने से पहले भाभी के साथ फैसला तो कर लिया है ना कि अब की बार आप दोनों को मुन्ना चाहिए या एक और मुन्नी। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार लड़का ही होगा। आपको जैसे बड़ी फिक्र पड़ी है, लड़का हो या लड़की, जहाज में बैठे नहीं लंदन के लिए और घर वालों को भूले नहीं। अरे जानती हो मैं वहाँ कितना काम करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा रुपया इकट्ठा हो जाए और फिर तुम सबको अपने पास बुला लूं। अब की बार जाने से पहले गीता पे हाथ रखकर सौगंध खानी होगी कि हमें जल्द से जल्द वहां बुला लोगे। लाओ हाथ। अरे ये क्या कर रही हो। ये अंगूठी तुम पहन लो, शायद इसी बहाने हमारी याद आ जाए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चूटी मर गई चूटी मर गई। उठो उठो उठो, देखो गाड़ी आ रही, सुनो गाड़ी आ रही के वास्ते, सुनो चुप 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 चुप। अंकल कौन सी भी गाड़ी की आवाज आती है, चलो 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 चलो। तुम खम्भे को हाथ ना लगाना, उसमें करंट लीक होता है, आगे 2 जाने जा चुकी है। हट जाओ गीता, हीर रोक उसे, रुक जाओ गीता रुक जाओ। शुक्र है भगवान का, मुझे वो दिन भुलाए नहीं भूलता जिस दिन इस बिजली के खंभे के साथ 2 बच्चे चिपक कर मर गए थे। गीता यहाँ कहीं भी ये खतरे का निशान दिखे उसके पास कभी नहीं जाना, समझ लेना कि उसके पास मौत खड़ी है। समझी, उसके पास मौत खड़ी रहती है। मेरी बच्ची सारे पसंद।
समीर, लंदन का बिग बैन घंटाघर साथ बजाना भूल सकता है बान साहब, लेकिन आपकी और हमारी चेयर्स करने की कंटिन्यूटी कभी नहीं टूट सकती। पुरानी शराब की तरह पुरानी दोस्ती का भी अजीब नशा है। टू योर हेल्थ सर। चीयर्स, ब्लेसेस माय लॉर्ड। सुना है ये शराबखाना मालिक बदल रहा है, जब ये बिकी रहा है तो सोच रहा हूँ कि मैं ही क्यों ना खरीद लूं। ये पब तो क्या जिस अंदाज से आप ओवर टाइम कर रहे हैं, थोड़े ही दिनों में सारे वेस्ट एंड की पब और होटलें आपकी हो जाएंगी। बैठो, ऐसी ही पब खरीदने की खास जाती वजह है। आज से 5 साल पहले जब मैं इंडिया से लंदन आया तो अपने रंग की वजह से एक अंग्रेजी पब से निकाल दिया गया। तब से फैसला किए बैठा हूँ कि समीर सानी, एक दिन तुम्हें ऐसी ही पब का मालिक बनना है जिसमें गोरे काले छोटे बड़े सब अपना रंग रूप अपना भेदभाव भूलकर शराब का गिलास उठाकर एक साथ कह सकें चीयर्स। चीयर्स माय फ्रेंड समीर। 35,000 पाउंड लीज पर मिलती है ये पब। मेरे पास 10,000 पाउंड कम है, बैंक से लोन मांगा है, अगले हफ्ते जवाब मिल जाएगा। अगर हम आपको 10,000 पाउंड दिलवा दें बगैर सूद के तो आप हमें क्या देंगे? थोड़ी सी वर्किंग पार्टनरशिप दे दें, जरा सी पत्ती जो तुम्हारा जी चाहे। मैं, मेरी मंगेतर सिल्विया और इनके डैडी तुम्हारे दोस्त मिस्टर बॉन्ड्स, हम लोगों की अंग्रेजी सर्कल में इतनी जान पहचान है कि तुम देखना थोड़े दिनों में ये भीड़ तो कुछ नहीं, बस मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो लाओ बढ़ाओ हाथ गुरनाम, लंदन में दो हिंदुस्तानी मिलकर कुछ हंगामा करते। इंस्पेक्टर मार्टिन, आप हिंदुस्तानी इतनी साफ बोलते हैं कि अगर आप भारत में हो तो कोई भी आपको काश्मीरी ब्राह्मण समझ के धोखा खा जाए। कश्यप, लंदन की पुलिस के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर मार्टिन की इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए है कि वो हिंदुस्तानियों के साथ उन्हीं की जबान में बात कर सकता, लेकिन तुसी साढ़े नाल पंजाबी इस गल कर लो यार। मिस्टर समीर सानी इज हियर सर। राइट, सेंड मी इमीडिएटली प्लीज। घड़ी की सुई लेट हो सकती है लेकिन समीर नहीं। मेरी शामत आई है जो पुलिस वाले बुलाएं और मैं वक्त पर न पहुंचूं। समीर और मेरी पुरानी दोस्ती है मिस्टर मार्टिन। जी हाँ, उस जमाने से जब हम दोनों नए नए विलायत पहुंचे। मैं काफी दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था। नो थैंक यू। आप अपने देश निवासियों में पॉपुलर भी हैं और यहाँ की इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन के लीडर भी, इसलिए सरकार और हिंदुस्तानियों के बीच ताल्लुकात बेहतर बनाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। फरमाइए। कई लोग जाली पासपोर्ट्स पर यहाँ आने लगे हैं। अमूमन ऐसे लोग दुबई और पर्शियन गल्फ वगैरह से यूरोप पहुंच जाते हैं और वहां की बंदरगाहों पर इंतजार करते रहते हैं जब तक उल्टे सीधे तरीकों से इंग्लैंड नहीं पहुंच जाते। और यही वो इन्हें लोग हैं जो यहाँ हमारे हिंदुस्तानियों का नाम बदनाम करते हैं। मैं 100% आपसे सहमत हूँ। ये गैर कानूनी आमदरफ्त रोकी जा सकती है अगर ऐसे चोरी छुपे आने वालों को यहाँ के लोगों की मदद और शय न मिले। और स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से मुझे और मेरे कॉलीग कश्यप को यहाँ यही जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस ही नहीं, हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी कि ऐसे गंदे रैकेट को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। इस मामले में आप दोनों मुझे अपना साथी समझिए। सिगरेट मुझे भी देना था। ऑफली कोल्ड। जल्दी करो, हर आधे घंटे के बाद यहाँ से पुलिस का पेट्रोल गुजरता है। कम ऑन आउट। अरे सूरज निकल देते तो यहीं पड़े रहने दो। अबे ये विलायत है, यहाँ सूरज बहुत कम निकलता है। कम ऑन।
तो भैया कम से कम एक सिगरेट ही पिला दो, थोड़ी गर्मी तो आएगी। लाइफ में उतारने का जिम्मा मेरा है, सिगरेट पिलाने का नहीं, समझा? ए, चलो जल्दी करो। अगर किसी ने देख लिया कि लंदन में हिंदुस्तानी बगैर पासपोर्ट के यूरोप से उतर रहे हैं तो तुम लोग तो जेलों में सड़ोगे ही, और साथ साथ मुझे भी ले जाओ। निकल। और साथियों आगे चलो, पीछे रह गए तो पीछे रह जाओगे। अपने अपने पासपोर्ट इस अटैची में डाल दो, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अटैची में डालो, अटैची में। आठवें नहीं आया, आठवें आदमी का पासपोर्ट। और पासपोर्ट के बिना कैसे रहना होगा पराए मुल्क में? और जाली पासपोर्ट के साथ कैसे रहोगे? अंग्रेजी सरकार ने दाखले की मोहर लगा दी है, अब जाली किधर से रहा? क्या नाम है तेरा? बूटा सिंह। पासपोर्ट में क्या नाम है? अवतार सिंह। 420 पकड़ी गई तो? ये तस्वीर देखिए किसकी है, कोई 420 नजर आती है इसमें? मालूम है किससे बातें कर रहा है? दुबई में तुम लोगों से सिर्फ वलायत पहुंचाने के पैसे लिए गए थे, और यहां पहुंचाकर तुम्हें नौकरी दिलवाने के। और यूरोप में भी जब तुम लोगों ने डोवर के लिए बोट पकड़ी थी तो मेरे एजेंट ने क्लियर कर दिया था कि यहां पहुंचते ही सब पासपोर्ट वापस ले लिए जाएंगे। पासपोर्ट वलायत में रहने की नहीं है। भीड़ भरा, कान खोल कर सुन लो, जबाने बंद रहेगी तुम्हारी। तुम चोर बनकर आए हो और चोर ही बनकर रहोगे। जो काम भी तुम लोगों को दिया जाएगा उसे अपना नसीब समझना। अपने उन बाकी देश निवासियों की तरह जो यहां हमारे दम पर जिंदा हैं। हाँ भाई, निकालो अपनी अपनी कमीशन और बोलते जाओ अपना अपना नाम। दिलावर बस कंडक्टर 12.5 पाउंड, पटेल कुक प्ले बाय क्लब 10 पाउंड, रामास्वामी वेटर 10 पाउंड, गुरदयाल एयरक्राफ्ट क्लीनर 12.5 पाउंड, सेन एयरपोर्ट क्लीनर 10 पाउंड। पैसे देने से पहले बात तो कर लो। ठीक है, तुम लोग पहले अपने अपने पैसे डालो, चलो। मुरारी लाल बस कंडक्टर 12.5 पाउंड, और ये लड़का मेरे भाई का है जिसका पिछले महीने एक्सीडेंट हुआ था। आपने इसे मोटर गैराज में नौकरी दिलाई थी। ये क्लीनर है, इसे सिर्फ 10 पाउंड मिलता है, स्कूल भी जाता है, पढ़ता भी है। मेरी गुजारिश है इससे 50% मत लीजिए, इतने कम पैसों में हमारा गुजारा नहीं होता। इसे खास मेरी ही रिकमेंडेशन से उस गैराज में नौकरी मिली है, वरना वहां बच्चों को कोई काम नहीं देता। 50% से कम कमीशन नहीं होगा। 5 पाउंड। बात करो। क्या बात है गंगाराम? मेरे सब साथियों की मर्जी है कि मैं आपसे बात करूं। तुम कब से इनके लीडर बन गए? जी, इन्होंने मुझे चुना है आपसे पूछने के लिए कि कब तक हम अपनी तनख्वाहों का आधा आपको देते रहेंगे। जब तक तुम लोगों को तनख्वाहें मिलती रहेंगी। लेकिन आपका वादा था कि हमको ज्यादा देर तक आपको कमीशन नहीं देनी पड़ेगी। इसे सिर्फ नौकरी दिलवाने की कमीशन क्यों समझते हैं आप लोग? इस मुल्क में बिना पासपोर्ट या जाली पासपोर्ट के साथ रहने के लिए कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन जनाब, हफ्ते के 10-12 पाउंड से क्या बनता है इस महंगे मुल्क में? और कितने रुपए बनते हैं 10 या 12 पाउंड के? 200 से भी ज्यादा, वो भी एक महीने के नहीं, एक हफ्ते के। अपने मुल्क में किसी के पास नौकरी नहीं होती। लेकिन आप हमारे माई बाप है, कुछ तो ख्याल कीजिए। माई बाप ना होते तो तुम्हें यहाँ नहीं लाते। माई बाप नहीं होते तो तुम सब जेल में होते। आपके शिकंजे से जेल बेहतर है गुरनाम साहब। जबान बंद रख, वरना जेल में भी नजर नहीं आएगा तू। इसे माफ कर दीजिए सर, ऐसे ही कभी कभी ज्यादा गर्मी खा जाता है। गंगाराम बस कंडक्टर 12.5 पाउंड। चलो भाई, अपने कमीशन डालो। और ये भी सुन लो तुम लोग, ये कमीशन सिर्फ हमारी ही पॉकेट में नहीं जाती है। रेडी, जो कुछ भी तुम इस हैट में डालते हो इसका 2/3 हिस्सा मिस्टर टप्पर को जाता है, जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ वलायत में है। ये रही इस हफ्ते की कलेक्शन। टप्पर साहब, टप्पर साहब, पुलिस बहुत चुकन्ना हो गई है और खतरा बढ़ गया है।
हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी कमीशन बढ़ा दीजिए। बिजनेस बढ़ गया तो तुम लोगों का कमीशन भी बढ़ा देंगे। आप देखते जाइए टेपर साहब, जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनसे दुगने लोग हम हिंदुस्तान से लाकर आपको देंगे। बस मैं कल ही जा रहा हूँ इंडिया अपने सालाना दौरे पे। भाई गुरनाम, हिंदुस्तान से कोई खास चीज लानी हो तो बता दो। यार अगर कोई खास लड़की हो तो ले आना। सिल्विया से तांगे आ गए हो क्या? अम्मा सिल्विया तो एक बिजनेस है यार, और फिर वो भी बासी बिजनेस। लेकिन अपने मुल्क से कोई ऐसा माशूक ला दो कि जिसमें नमक भी हो और जवानी भी हो, तो लाने का खर्चा और उसकी कीमत आपस में बैठकर तय कर लेते हैं। कितना माल दोगे? भाई ये तो लौंडिया पे मुनासिर है, एक से लेके 2,000 पाउंड तक दे सकता हूँ, और अगर माल अच्छा हो तो ज्यादा भी कुछ मिल सकता है। डन, सौदा तय हुआ। ओके। जब ये बूटा के हाथ में खुलता है ना, सीधा सामने वाले के पेट में उतर जाता है, समझे? 2 दिनों से भूखा बंसी, आज सोच के आया था कि तेरा खून पी जाऊंगा, उसके बाद सूली पे चढ़ जाऊंगा। किसने कहा था भूखे रहो? तू नहीं काम करते जो बाकी सब तुम्हारे साथ ही करते हैं? ना चाड़ू देना है ना बर्तन साफ करने है भाऊ। तो क्या क्वीन के पैलेस में काम करोगे? जो वादा किया वो पूरा कर दो बंसी भाऊ, नहीं तो ये जो हमारा सिनेमा है ना, ये सारी दुनिया देख लेगी, समझे? अरे भाई बंद करो इसे, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ रखूं। मैं ऐसी वैसी नौकरी नहीं करूंगा, इज्जत वाली नौकरी करूंगा। इज्जत वाले आदमी को तो इज्जत वाली ही नौकरी मिलेगी। गुरनाम तुम इसे अपने साथ ले जाओ और अपने साथ रख लेना। हिंदुस्तान की फ्लाइट अनाउंस हो गई, मैं चलता हूँ। भाई ये लंदन है। देयर इज एन अर्जेंट कॉल फॉर मिस्टर बंसी लाल, पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑन एयर इंडिया फ्लाइट 110। मेरा टेलीफोन है, जाकर अटेंड कर लो, और जो भी हो उसे बोल देना मैं हिंदुस्तान की फ्लाइट पकड़कर चला गया हूं। बाय। दिस इज स्टॉपर हियर। बंसी गया? बंसी ने इंडिया की फ्लाइट पकड़ ली। सुनो, वो समीर सहानी है ना, वो इंडियन वर्कर्स यूनियन के हॉल में शोर मचाने जा रहा है। अब खून पसीने की कमाई से हम में से हर एक ने इस प्रदेश में आकर अपने लिए कहीं ना कहीं जगह बना ली है, जिसे हम घर कहते हैं। हमें ये घर उतना ही प्यारा होना चाहिए जितना कि ब्रिटिशर्स को। हमें इस देश पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए कि यहाँ के आर्थिक हालात खराब हो जाएं। इस घर में इतने मेहमान घुस आएं कि घर के लोगों के लिए ही खाने को कुछ ना बचे। हमें चाहिए कि अपने इस नए घर में किसी नाजायज बिन बुलाए मेहमान का स्वागत ना करें। अगर जाने अनजाने में आप में से किसी ने किसी भी गैर कानूनी इमिग्रेंट को पनाह दे रखी है, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे आदमी को सरकार के सामने पेश कर दें। और मैं ये भी जानता हूं कि ऐसे गैर कानूनी लोगों की संख्या हमारे बीच आटे में नमक के बराबर होगी, लेकिन याद रहे कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, और हमें ऐसी गंदगी को अपने बीच में से निकाल बाहर फेंक देना चाहिए ताकि हम यहां मान से रह सकें और ब्रिटिश सरकार से बराबर का बर्ताव और बराबर का हक मांग सकें। Look at this, देखो, हर अखबार के हर फ्रंट पेज पे समीर सानी का स्पीच उसका जिक्र है, लोगों को भटका रहा है। इसे यही खत्म नहीं कर दिया गया तो हमारे बिजनेस में सिर्फ कांटे ही नहीं बल्कि तुम्हें मुझे और अपनी सारी कंपनी को अंदर करवा देगा। मैंने समीर की रग पकड़ ली है टप्पर साहब, अगर आप मुझे खुला हाथ दें तो बिजनेस में हमारा फायदा भी होगा, और ये आदमी सिर्फ हमारी मुट्ठी में ही नहीं रहेगा बल्कि आओ समीर आओ। 20 बरस पहले हम इंडिया में कितना हैप्पी था समीर। यू नो सिल्विया की माँ भी हिंदू थी, तुम्हारे माफिक टेम्पल जाया करती थी। डैडी आप तो हमेशा स्टुपिड इंडियन सॉन्ग बजाते रहते हैं। उठा तो ये रिकॉर्ड कब्र में भी लेके जाएगा। होल्ड योर टंग गुरनाम। अरे भाई लड़ो नहीं, आज तो खुशी का दिन है, अब खरीद ली गई है। अच्छा, ये रहे तुम्हारे पार्टनरशिप के कागज। और हाँ सिल्विया, तुम्हारे ही वकील ने ये टाइटल डीड बनाई है। मिस्टर बांस, ये सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है। मैंने नया घर भी ले लिया है किराए पर, अब आपको कुछ दिन मेरे साथ चलकर रहना पड़ेगा। कहाँ है आपका पैक? चलिए मैं अभी आपका सामान पैक करता हूँ। हम हमेशा तुम्हारे लिए प्रेयर करता समीर, अगर हमारा भी तुम जैसा बेटा होता तो भी आप मुझे इतना ही प्यार देते, मुझे अपना बेटा ही समझिए। बल्कि अब तो एक ही फैमिली हो गई, हम लोगों ने मिलकर पब जो खरीद ली है। सिल्विया जल्दी से पढ़कर सुनाओ पार्टनरशिप लेटर,
बल्कि हिंदुस्तानी में तर्जमा करके बताओ, वरना गुरनाम को पता नहीं चलेगा कि वकील साहब ने क्या लिख दिया है अंग्रेजी में। क्यों मिस्टर बांस? गुरनाम की 10,000 pounds की इन्वेस्टमेंट के बदले समीर ने उसको 35% की वर्किंग पार्टनरशिप दी है। आज आपका आशीर्वाद को ज्यादा ही चाहिए। परदेस में आकर मैंने जो कुछ कमाया बचाया वो सब एक दोस्त के साथ मिलकर कारोबार में लगा दिया। हम दोनों ने मिलकर एक पब खरीद ली है। अब मैं बहुत ही जल्दी अपने परिवार को लंदन बुला लूंगा। मेरा आशीर्वाद है बेटा। वो आरो, 4 हफ्ते से तुम्हारे पापा का खत नहीं आया। अगले सप्ते नहीं आया तो मैं चली जाऊंगा पापा के पास रहने गांव में, और तुम दादी जी से कहना तुम्हें ले जाए तुम्हारे पापा के पास लंदन। क्यों दुखी होती हो? काम से कभी फुर्सत नहीं मिलती आदमी को। इसका ये मतलब थोड़ी है उसे तुम्हारी याद नहीं आती होगी। याद आती है तो क्या लिखता है ना माँ जी, और नहीं लिखते तो शायद सोचते भी नहीं होंगे मेरा। कल दोपहर को बात तो कर रहा है तुमसे लंदन से रेडियो पर। पूरा 1 महीना हुआ लिखा था। अगले महीने की 22 को ठीक 1 बजे बीबीसी लगाना, मैं तुमसे हिंदुस्तानी प्रोग्राम में बात करूंगा। 1 महीना हो गया माँ जी, 1 महीना। कब आएगा कल? एक एक दिन एक एक साल की तरह कटता है। एक लाइन लिखने में कौन सा दिन जाता है? समीर सहानी। वीर पापे, आपके ट्रैक्टर का क्लच वेयरिंग मार खा गया है, इसलिए चलने में तकलीफ देता है, थोड़ी देर लगेगी ठीक होने में। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। अरे ये दयाराम के ठेके पर मजमा क्या लगा है? दयाराम के चाचे का लड़का बंसी आया है विलायत से, गांव वालों को किस्से सुना रहा है वहाँ के। अच्छा, अरे अपने साथ वाले गाँव के रूपलाल की मिसाली देख लो। यहाँ से सिर्फ 2 लुंगी 2 कमीज और 1 पतलून लेकर गया था, और अब वहाँ मालूम है कैसे रहता है? वहाँ विलायत में बड़ी ठाट से लॉर्ड बनकर रहता है। लॉर्ड वलायती मीम से शादी भी कर रखी, और वहां की सबसे कीमती कार रोल्स रॉयस में घूमता फिरता है, और यहाँ हर महीने अपनी फैमिली को पैसे भी भेजता है। मालूम है उसके बाप ने पक्का मकान भी बनवा लिया और अंग्रेजी फिटिंग भी लगा दी सारे घर में। बस यही होता है जब आदमी सितारों की तलाश में बाहर के मुल्कों में जाता है। नौकरियों की कमी नहीं वहां, पैसों की बरसात होती है। तुम लोग भी बाहर निकलो, अपनी अपनी किस्मत आजमाओ। वैसे बाबूजी, जब मैं यूके जाना होवे तो कितना पैसा लगेगा? इसके बारे में दयाराम जी आपको बताएंगे, इनको मैंने इस इलाके का एजेंट मुकर्र किया है। ये भी तो बताओ इनको कि आपकी ट्रैवल एजेंसी कितनी बड़ी है, दुनिया के कोने कोने में इसकी शाखें फैली हुई हैं। बर्लिन, दुबई, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, सब जगह। मतलब ये कि इनकी कंपनी सारी दुनिया में ट्रैवल कर रही है। आप लोगों में कोई भी वलायत जाना चाहे तो मेरे साथ अंदर बैठाओ और कुर्सी मेज पर बैठ जाओ, मैं आपका सारा काम करवा दूंगा। जो फीस आप लोगों को देनी पड़ेगी उसी में मैं आपका टिकट बनवा दूंगा, पासपोर्ट भी और परमिट भी। मतलब ये कि फीस 1 और काम 3। और ये पासपोर्ट क्या चीज है? ये रहा पासपोर्ट, ये आइडेंटिटी कार्ड होता है। इसमें आपका नाम होता है, आपका पता होता है, आपकी तस्वीर होती है और सरकारी ठप्पा होता है। इसे दिखाकर आप किसी भी मुल्क के अंदर जा सकते। लेकिन पासपोर्ट यही दुकानों पर नहीं बेचे जाते, न ही इतनी आसानी से सरकारी दफ्तरों में ही मिलते हैं। मत आइएगा इन विलायती बाबू के चक्कर में। क्यों झूठ मूठ के सब्ज बाग दिखाते हो बेचारे गांव वालों को? बंसी जी, ए वीर जी ने इना दे बड़े भरा इंग्लैंड विच रहते हैं। अच्छा, क्या नाम उनका? समीर सहानी। समीर सहानी, आपने इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का नाम तो सुना होगा। अरे हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो हमारे खास आदमी। अभी चंद रोज पहले उन्होंने मेरे एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू किया। भाई साहब ने अभी तक इसके बारे में लिखा तो नहीं, लेकिन लिखेंगे जरूर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। फिर मिलेंगे। उस्मान, पापा का खत आया है,
तुम्हारे पापा की खत है, लेकिन पिताजी के नाम है। हाँ हाँ खोल लेना, उनका बेटा है तो तेरा भी तो पति है। उन्होंने पढ़ के सुनाया या तूने पढ़ के सुनाया, खबर तो मेरे बेटे की है ना। मुझे भी तो सुना पढ़ के क्या लिखा है बेटे ने। मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, मुझे पहले ही बहम होने लगा था। लेकिन सुना, मुझे तो सुना क्या लिखा है। इतना तेज लिखते हैं दोनों भाई, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता क्या लिखा है। अरे इधर आ, इधर ले ले, पढ़ के सुना मुझे। पढ़। मैं नहीं पढ़ूंगी माँ जी, मैं नहीं पढ़ूंगी। तू नहीं पढ़ेगी तो मुझे कैसे पता लगेगा इसमें क्या लिखा है। ले पढ़ पढ़। मुझे पिताजी एक बार कई दिनों से आपको लिखना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। बात यह कि मुझे यहाँ एक गोरी मैम पसंद आ गई है, जिसके साथ शादी भी हो गई है। हाँ हाँ आगे पढ़ आगे पढ़, क्या लिखा है। मुझे पता है ये बात आपको और माँ को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अपनी बहू से अभी ये बात छिपाए रखिएगा, मैं उसे खुद ही लिखूंगा। मैं जाती हूँ, मैं के पिताजी से कहकर मेरी टिकट मंगवा दीजिए। देखा तुम्हें कैसे बनाया भाभी, माँ से तुम्हारी बहू को रोंदू का खिताब देने वाला हूँ। भैया की चिट्ठी नहीं आती तभी भाभी रोती रहती है, और आती तभी रोती है। तेरे भैया ने मुँह पे कालक मल ली है, ले पढ़। माँ मैं आंखें बंद करके एक एक लफ्ज सुना सकता हूँ कि मैंने क्या लिखा है चिट्ठी में। तूने तो क्या तूने ये मजाक किया चिट्ठी लिखकर? कोई और करेगा ऐसा मजाक तो जान नहीं खा जाऊंगा उसकी। माँ घर के सब जानते हैं और भाभी भी अच्छी तरह जानती है कि मेरी और भैया की लिखाई बिल्कुल मिलती जुलती है। और फिर आपने ये लिफाफा तो देखा होता कितना पुराना है। भाभी तो बुद्धू है ही, तू ही झाते हुए आ गई। माँ हार के फेंक किसी के मुंह पर ये चिट्ठी, तेरा देवर तू ही जान। चल यहाँ से, चल चल, देखो मुझे बनाकर। मैदान जंग में टैंक चलाने वाला कैप्टन जी और फार्म में ट्रैक्टर चलाने वाला किसान वीर, दोनों का जवाब नहीं। लेकिन आप कैप्टन वीर की टक्कर के भूले जा रहे कर रहा था, जिससे गोलियां खत्म हो जाने के बाद तुम बंदूक का काम लेते थे। सानी साहब, सानी खत्तर की लड़ाई नहीं भूलती। किसी को नीचा दिखाना हो या तारे दिखाने हो तो रख दो उसका सर वीर के सर के सामने, इसकी टक्कर बड़ी मशहूर। तो मेडल आप ही जीता करते थे भाई। अगर तुम मेरे अंडर नहीं होते तो मैं ये मेडल कैसे जीतता। अब इस फार्म के ही मेडलों को देख लो, जब से तुम मेरे फार्म पर काम कर रहे हो हम दो मेडल जीत चुके हैं और तीसरा इस सीजन में जीता जाएगा, हैट्रिक होगी। और उसके बाद कर्नल साहब, सुनील भैया मुझे लंदन से टिकट भेजेंगे और मैं आपके फार्म से विदा लूंगा। मेरे पासपोर्ट तो क्या हुआ? अरे भाई तुम लंदन से टिकट मंगवा लो, पासपोर्ट मेरा जिम्मा, एप्लीकेशन तुम्हारी जा चुकी है। वीर एक बज रहा है। अरे ये तो मैं भूल ही गया। अटेंशन एवरीबॉडी, बीबीसी लगा रहा हूँ, लंदन रेडियो, समीर भैया की आवाज आएगी। ये बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का हिंदी कार्यक्रम है। आज के प्रोग्राम के मुताबिक कुछ हिंदुस्तानी भाई भारत में अपने परिवार के लोगों से बातचीत करने वाले थे। हमें अफसोस है आज ये प्रोग्राम हम पेश नहीं कर सकेंगे। यही प्रोग्राम अब अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। धन्यवाद। अगले हफ्ते भी नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है तुम्हारे पापा को कोई परवाह नहीं हमारी। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना तेरे दीदार का।
हो नजराना। रहेंगे जो रूठे रूठे रहेंगे जो रूठे रूठे झूठे मूठे करके नखरे तो हम बोलेंगे नहीं आपसे। अरे देखो अपना रोपा टोपो ना हंसी को जो आने वाली है होठों पे चुपचाप से। मुस्कुराना आया है तोहफा दिलदार का, नजराना भेजा किसी ने प्यार का। है दीवाना कभी 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 दूरी भी जरूरी है प्रेमियों में प्यार बढ़ाने के वास्ते। अरे होते ही है ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े जाने अनजाने जाने देखो प्यार के रास्ते। ना घबराना टल गया समा इंतजार का, नजराना भेजा किसी ने प्यार का। है दीवाना जो बस तेरे दीदार का, नजराना भेजा किसी ने प्यार का। तू ही खाए, हमेशा मुझे तंग करता है। हमेशा तुम्हें हंसाने की कोशिश तो करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि भैया तुम्हें खत लिख रहे हैं। समीर, हम गेस कर लिया तू किसको लेटर लिखता? अपना डार्लिंग को। यस। और लिखो और लिखो, तुम्हारा गॉडफादर बांस फैमिली को प्यार भेजता। ब्लेसिंग। श्योर मिस्टर बांस। आज तुम कितना स्मार्ट लगता है इस ग्रे सूट में, इस वास्ते हम तुम्हारा फोटोग्राफ लिया। आज वो शराब खाना हमारे कब्जे में आ रहा है ना, इसलिए मैंने वहां हवन रखवाया है ताकि सफाई भी हो जाए और मुहूर्त भी। गुरनाम और सिल्विया मेरा वहां इंतजार कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। आज नहीं, हम गुड लक देने को आएगा जिस रोज तुम्हारा शराब खाना पब्लिक को खुलेगा, तुम्हारे साथ बैठ के चीयर्स करेगा। ये देखो। थैंक यू मिस्टर बांस, मैं ठीक 7 बजे वापस आ जाऊंगा। आज घर में बैठकर ही चीयर्स करेंगे, और बियर से नहीं शैंपियन की बोतल लाऊंगा। ठीक 7 बजे मेरा इंतजार कीजिएगा, फिर चीयर्स करेंगे। समीर अभी आता ही होगा। डार्लिंग जरा तर्जुमा करके बताना तो सही, तुमने मेरे और समीर के एग्रीमेंट में कौन सा क्लास बढ़ाया? और ये तय पाया कि गुरनाम या मेरे, हाँ। यानी समीर, हाँ। में से किसी एक की मौत के बाद, हाँ। दूसरा शराब खाने का अकेला मालिक होगा।
समीर सहानी। बहुत दिनों की प्रैक्टिस के बाद समीर की दस्तखत की नकल करने में कामयाब हुआ। अब मिस्टर टप्पर के वकील को संभालना तुम्हारा काम होगा। वो मेरा भी तो वकील है और सब बंदोबस्त हो चुका है। ये मेरा ग्लास, दिस इज योर ग्लास, तुम्हारा, और ये समीर साहब का ग्लास। समीर इसे होंठों से लगाएगा और हमेशा के लिए मीठी नींद सो जाएगा। He'll go to heaven. Oh, I love you, darling. I love you. ओए सुनाम, ओए सुना, बहुत बड़ी पब खोली है, जरा बाहर तो निकल। और गुरनाम साहब, साहब दे पुतार, आज तू मेरा साथ नहीं छोड़ना। तूने मुझे हिम्मत दी है कि मैं दो बातें अपने यार के साथ करके आऊं। अंकल ने छलांग लगा दी। और गुरनाम, हिम्मत है तो बाहर निकल। हमारा हक हमें दे दे, वरना तेरे कारनामों का ढिंढोरा पिट जाएगा। चाह के डेली मेल अखबार से एक नुमाइंदा रोज हमारी फैक्ट्री का राउंड लगाने आता है। कली वो कैंटीन में मेरे साथ चाय पी रहा था, वो मेरा दोस्त है। तो हम साले सीधे पटरी पर नहीं आए तो मैं उसे कह के अखबार में तुम्हारी रिपोर्टिंग करवा दूंगा, तुम्हारी खबरें छपवा दूंगा। बंद करो ये हराम की कमाई गुरनाम, मैं तुमसे कह रहा हूँ, छपवा दूंगा। तुम साले जाली पासपोर्ट का धंधा करते हो। तुम अपने देशवासियों का खून पसीने की कमाई उन्हें डरा धमका के हजम कर जाते हो। कहा छुप के बैठे चूहे, मैं तुझसे कह रहा हूँ। मत सोचो गुरनाम के तुम खून करके भाग सकोगे। मैं कहां भाग रहा हूं, मैं तो ऊपर कमरे में जा रहा हूं। अगर पुलिस को टेलीफोन करना हो तो ऊपर भी एक टेलीफोन है, ऊपर चले आओ। टेलीफोन काटने से कुछ नहीं होगा, आंखें देख चुकी हैं, कान सुन चुके हैं। विदेश में आकर भी तुम सिवाय धब्बे के और कुछ नहीं। अपने ही देश निवासियों को लूटते हो, उनका खून चूसते हो, वहां उन्हें सुनहरे सपने दिखाते हो और यहां लाकर काल कोठरी के अंधेरे में फेंके रखते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा गुरनाम, ऐसा नहीं होने दूंगा। ये क्यों नहीं कहते कि मैं उन्हें यहां पहुंचाकर उनकी सेवा कर रहा हूं, वरना बगैर पासपोर्ट के वो कभी इस मुल्क में दाखिल हो सकते? अपने मुल्क में भूखे मरते थे, हमने उन्हें नौकरियां दिलवाई, उन्हें हमारा एहसान मन होना चाहिए। गुलाम, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे कि मैंने तेरे जैसे गिरे हुए और नीच आदमी को अपना पार्टनर बनाया। मैं प्रायश्चित बाद में कर लूंगा, पहले मैं समीर साहब है? समीर साहब अभी तक नहीं आया, आप एक घंटे के बाद आइएगा। लेकिन उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया था। वो जब आ जाए तो आ जाइएगा, अभी सफाई चल रही है, क्लीनिंग। प्लीज जल्दी से दूसरे दरवाजे खिड़कियां भी बंद कर दो। गुरनाम, मेरे खून की चीत सात समुंदर पार तक पहुंचेंगे और पांच इंतकाम की वो ज्वाला उठेगी जो तुझे और तेरे जैसे बदमाशों को जलाकर खाक कर देगी। पहले ऊपर आओ।
किसी की गिर गई लगती है चिट्ठी जेब से, किसी ने लिखी होगी अपने बेटी को या माँ को या शायद बहन को या बीवी को। बेचारा, चलो पोस्ट कर देते हैं। अभी सांस बाकी है। अंकल रोना नहीं बेटे, किसी को यह पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ यह हादसा गुजरा है। ये सब छोड़ो, पहले से किसी डॉक्टर के पास ले चलो। अरे डॉक्टर के पास ले जाके फंसने वाली बात होगी, वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा और हम सबकी असलियत सामने आ जाएगी कि हम बिना पासपोर्ट के चोरी छुपे इस मुल्क में रहते। इसका मतलब कल को कोई भी हम में से किसी का खून कर देगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे। ए, चुप रहे, कोई सुन लेगा। बोट घुमाओ, गंगाराम के यहाँ इसे ले चलते हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि इसे चाकू लगा है। अच्छा बोटमैन को किनारे पे छोड़ा है, वरना सबके सब फंस जाते। हाँ तू बोट चला यार। मैं गुरनाम से अपने अंकल का बदला लूंगा। अरे इतनी जल्दी आ गए? अरे सामग्री का इंतजाम होते हमने कहा शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए, तेरी पे इसीलिए हम हवन का सामान साथ ले आए हैं। हाँ। समीर साहब, समीर साहब। समीर साहब अभी तक नहीं आए? तो कार से तो निकल गए होंगे ना? हाँ टेलीफोन किया था, मालूम हुआ निकले, बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं, इधर रख देते हैं इसको। पंडित जी तुसी हवन शुरू कर दो, हम पूजा का सामान लेके उड़ी आता हूँ। गुरनाम, हो सकता है तुम्हारा पार्टनर समीर का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हो और शायद कल अखबार में न्यूज पढ़ने को मिले। वीरंकल, वीरंकल, पापा की चिट्ठी आई है। हम भी पढ़ेंगे भाभी, कैसी प्राइवेट बात तो नहीं जो नहीं पढ़नी चाहिए तुम्हारे अलावा? नहीं नहीं, लो पढ़ो। जरा ऊंचा पढ़ना ताकि माँ जी और पिताजी भी सुन सके। प्रिय रमा, जानती हो इतने दिनों मैंने तुम्हें चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता था। एक सपना जो मैंने यहाँ आकर देखा था वो पूरा हो गया है। मैं एक शराब खाने का मालिक बन गया हूँ जिसे अंग्रेजी में पब कहते हैं। हमारी जुदाई के दिन खत्म हो गए, मैं अब जल्दी तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। गौरी सच के चली परदेश, वहाँ मेहमानों की तरह बन के रहना पड़ेगा। अंकल हम भी चलेंगे मम्मी के साथ। मुनीम साहब बच्चे भी जाएंगे आपके साथ। अच्छा अच्छा, पढ़ना आगे। आगे लिखा है वीर से कहना शराब खाने में हाथ बटाने के लिए उसे भी यहाँ आना पड़ेगा। मैं भला शराब खाने में क्या हाथ बटाऊंगा, मुफ्त का अंग्रेजी ठर्रा पी कर धुत पड़ा रहूंगा सारा दिन अपने गाँव के खड़क सिंह की तरह। आगे बढ़ आगे। पिताजी रिटायर हो रहे हैं, वहाँ क्या करेंगे? मेरा ख्याल है पिताजी और माताजी को भी यहीं बुलवा लूं। तुम क्या कहती हो? मैं अब कहीं नहीं जाती बुढ़ापे में लंदन वन। भाई एक चक्कर तो हम लगाएंगे फॉरेन का बेटे के पास। एन में भैया लिखते हैं यहाँ लंदन में मेरा एक इंग्लिश गॉड फादर है मिस्टर बांस, जिसने मुझे अपना धर्मपुत्र बनाया है। वो फैमिली को अपना लव भेजता है। पोस्टमैन। अभी अब जल्दी से मिठाई खिलाओ जल्दी से। किसकी चिट्ठी है? ये भी विलायत से है लेकिन भैया की नहीं है, आपके नाम है पिताजी। हाँ खोलो पढ़ो, देखो किसकी चिट्ठी है, क्या लिखा है। कश्यप साहब हैं जिन्होंने लिखी है। अच्छा? कहानी साहब, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मेरी आपके बेटे समीर से अच्छी खासी मुलाकात है। वो 3-1 रोज से गायब है।
और कहां यहां भी कोई पता नहीं लगा सका और एक अजीब से शक ने घेर रखा है। मैं यहां की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड में इंस्पेक्टर हूं और एक हिंदुस्तानी होने के नाते अपना फर्ज समझता हूं कि आपको आपके बेटे के बारे में बता दूं। ये चिट्ठी 25 तारीख को चली और वो भाभी ये 22 को, इसका मतलब है ये 3 दिन बाद में चली और ये 3 दिन पहले चली है। भगवान का मुझे वो दिन भुलाए नहीं भूलता जिस दिन इस बिजली के खंभे के साथ 2 बच्चे चिपक कर मर गए थे। गीता, यहां कहीं भी ये खतरे का निशान दिखे उसके पास कभी नहीं जाना, समझ लेना कि उसके पास मौत खड़ी है। समझी, उसके पास मौत खड़ी रहती है। तेरी बच्ची क्या बात है वीर, सोच में पड़ गए बेटा। ये बेटा कुछ नहीं, हो सकता है कुछ रोज के लिए भैया किसी दोस्त के यहाँ इधर उधर बाहर निकल गए हूँ। मैं दयाराम के ठेके से ट्रंक कॉल करता हूँ। बेटा ओवरसीज ऑपरेटर, यस मिस्टर समीर सानी, यस यू वांट मी टू होल्ड ऑन, थैंक यू। अरे क्या हिंदुस्तानी गाने लगा रखे हैं, लंदन लगाओ बीबीसी, मुलायत में रहकर हमें वहां के प्रोग्राम सुनने का मजा ज्यादा आता है। Yes, operator. The bees resident ringing. Thank you. हेलो, हेलो, समीर सानी साहब है, समीर सानी साहब। समीर, शाम को 7 बजे आएगा। 7 बजे, इसके मतलब कि वही है, लंदन में ही है। समीर 6 रोज घर नहीं आया, लेकिन वो बोल के गया 7 बजे आएगा, अभी आएगा, हम उसी का वेट करता, फिर चेयर्स बोलेगा। हेलो, हल ये रोज से घर नहीं आया। वीर, तुम फौरन लंदन चले जाओ और मेरे बेटे की खबर लाओ। लंदन जाना कोई आसान है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं ये सब जेवर दे दूंगी, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने जो पहने हैं वो भी ले लो, मैं अपनी जान दे दूंगी अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो। आप कह रहे थे कि मेरे भाई साहब ने आपके किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप की है? हाँ, कुछ ऐसी बात आने से पहले सुनी तो थी, मगर क्यों? कौन साहब है, क्या काम करते हैं, कुछ खबर आई इन दिनों आपको उनसे? आप अभी भी लंदन बात कर रहे थे ना, कोई बुरी खबर सुनी है क्या? लंदन पुलिस के किसी बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के हिंदी कार्यक्रम में हमारे कुछ हिंदुस्तानी भाई भारत में अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करेंगे। श्री समीर सहनी, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के प्रवासी कार्यक्रम के अंतर्गत। रमा, पिताजी, माताजी, गीता, वीर, मैं यहाँ यूके में बिल्कुल ठीक हूँ। कभी चिट्ठी लिखने में देर हो जाती है तो परेशान मत हुआ कीजिए, आप सब बहुत याद आते हैं और जल्दी ही आपको एक खुशखबरी दूंगा, बस चंद ही दिनों के बाद। तब तक के लिए मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार, और रमा छोटी बेबी को मेरी तरफ से किस करना। अब श्री विजय भटनागर अपने परिवार से बात करेंगे। ये प्रोग्राम तो बहुत पहले रिकॉर्ड हो जाया करते हैं ना? हम शायद एक हफ्ते पहले रिकॉर्ड हुआ हो या उससे पहले भी। पिताजी, मुझे फौरन लंदन के लिए रवाना हो जाना चाहिए, एक दिन भी बर्बाद करना बर्बादी होगी। आप लोग घर जाइए और मैं कर्नल साहब से पासपोर्ट की बात करता हूँ। मुझे यूके के लिए पासपोर्ट चाहिए कर्नल साहब। क्यों, भैया ने टिकट भेज दिया? टिकट तो नहीं भेजा, लेकिन बुलाया जरूर है, और अगर आप एडवांस समझ के मुझे कुछ खर्च दे सके तो मैं सारी उम्र बिना सैलरी के आपके फार्म पर काम करूंगा। ऐसी भी क्या बात हो गई है, जल्दी में हो, कुछ परेशान दिखाई देते हो। लंदन से खबर आई है कि समीर भैया का कुछ पता नहीं कहाँ है और मेरा फौरन वहां पहुंचना जरूरी है। तो फिर देर क्या है, बैठो जीप में निकल पड़ते हैं चंडीगढ़। कल सुबह दफ्तर खुलते ही पासपोर्ट तुम्हारी जेब में होगा। ए वीर साहब, ए बंसी, तुहाडे नाल कोई जरूरी गल करना चाहता है। प्राइवेट है।
हो सकता है आपको पासपोर्ट ना मिले, और अगर मिले भी तो इतनी देर से मिले कि आपके वहां पहुंचने का मकसद ही पूरा ना हो सके। इत्तेफाक से मैं यहाँ हूँ और मैं अपने इंसानी फर्ज समझकर आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मदद कर सकते हैं मेरी? सिर्फ 10,000 रुपए लगेंगे लंदन पहुंचने के, पासपोर्ट और टिकट मेरे से। किस तरह का पासपोर्ट होगा? आपका ही और आप ही के नाम, और किसी भी सरकार को शक नहीं होगा, ना यहाँ की ना वहां की। मेरा दिया हुआ पासपोर्ट होगा तो आप कल शाम की फ्लाइट से रवाना हो सकते हैं। दिल्ली में मेरे एजेंट्स हैं, ये कॉल करूंगा आपकी सीट बुक हो जाएगी। कल शाम की फ्लाइट से जाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपका सामना उस शख्स से होगा जो आपके भाई साहब के सबसे ज्यादा करीब है। गुरनाम, जिसके बारे में आप अभी भी मुझसे पूछ रहे थे, वो आपके भाई साहब का बिजनेस पार्टनर है, और कल शाम को दिल्ली से रवाना होने वाली एयर इंडिया फ्लाइट जिसमें उसकी नई नवेली दुल्हन भी जा रही है, उसे रिसीव करने के लिए वो लंदन एयरपोर्ट पर आया होगा, और उससे ज्यादा आपके भाई साहब को कौन जान सकता है। आपका पासपोर्ट तो मैं बाद में लूंगा बंसी जी, उससे पहले आपको जेल भिजवाऊंगा। कमाल है, मैं आपके साथ नेकी कर रहा हूँ और आप उल्टा। देहरान आओ चलो। क्या हुआ? और देहरान, तुम भी बहुत बड़े एजेंट बने बैठे हो रहे इनके काले धंधों के गिरोह के, तुम्हारा ठेका भी उठवाऊंगा इस गाँव से। कल शाम की फ्लाइट से जाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपका सामना उस शख्स से होगा जो आपके भाई साहब के सबसे ज्यादा करीब है, और कल शाम को दिल्ली से रवाना होने वाली एयर इंडिया फ्लाइट जिसमें उसकी नई नवेली दुल्हन भी जा रही है। चंडीगढ़ से पासपोर्ट मिल गया तो कल शाम ही की फ्लाइट पकड़नी चाहिए। मे आई ऑफर यू सम जूस मैडम? नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? क्या आप खाना कैसा खाएंगी? खाना मैं घर ही से लेके आई हूँ। वक्त क्या हुआ? 7:30। अरे ये तो मेरी पूजा का वक्त है। पूजा के साथ साथ आप रो रही थी। जब मैं घर से विदा हुई मेरे माता पिता रो रहे थे। तो फिर आप विदाई क्यों हुई घर से? पैसे की जरूरत थी बाबूजी। अभी अभी शादी हुई? कल ही सजाया गया मुझे दुल्हन के रूप में। और आपके पति? पति के बिना ही शादी कर दी मेरी। वो लंदन में है, वही मिलेंगे, लेकिन मैं उनसे नहीं मिलूंगी। क्यों? ये शादी नहीं सौदा था बाबूजी, पेट के वास्ते। घर में बीमारी और ऊपर से साहूकार का कर्जा, मेरे माता पिता भी क्या करते। आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ। हम इसे बलायत भेजेंगे, बलायत। वहाँ ये एक बहुत बड़े ठेकेदार की दुल्हन बनेगी, राज करेगी तुम्हारी बेटी, राज। हाँ। और की उम्र क्या है? ज्यादा नहीं, बस यही 50-55 साल की है। क्या कहा बाबूजी? नहीं बाबा, माँ मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे पगली, तेरे ब्याह के लिए दहेज कहाँ है? तो तुझे कोई लेकर जाएगा? दहेज नहीं माँ जी, बिल्कुल दहेज नहीं। आपकी बेटी की शादी मेरे दोस्त से होगी, और उल्टा आपका दामाद आपको 5,000 रुपया देगा, उससे आपकी झोंपड़ी की मरम्मत होगी, साहूकार का कर्ज चुक जाएगा, हकीम की दवा दारू होगी, और आपके बैल भी आपको वापस मिल जाएंगे। तुम मेरी बेटी को खरीदना चाहते हो? नहीं। अरे बाबा, शादी होगी शादी, तुम्हारी बेटी दुल्हन बनके सच धज कर लंदन जाएगी, और जब वहाँ हवाई जहाज से उतरकर अपने पति से मिलेगी तो गहनों से सजी होगी, गहनों से। ये देखो, ये लो,
ये लो 5,000 रुपए, ये सब तुम्हारे। अरे बाबा ले भी लो। इतने ढेर सारे पैसे से मेरे माता पिता की गरीबी के सारे पाप धुल जाएंगे, यही सोचकर मैंने हाँ कर दी बाबूजी। लेकिन मेरे मन के भगवान ने कभी हाँ नहीं की। आप मेरी मदद करेंगे बाबूजी? दादी में शहनाई बजती है, बारात आती है, दुल्हन दूल्हे के पीछे पीछे आपके सामने साथ फेरे लगाती है, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं बेची गई हूँ बाबूजी, मेरी मदद कीजिए। May I have your attention, please? Air India announces the arrival of flight 101 in Delhi. Thank you. जाओ जल्दी से बदल के आ जाओ। भाई साहब, इस एड्रेस पर जाना है, कौन सी बस लेनी पड़ेगी और कहां से? हाँ, ये लेटर तो मैंने पोस्ट किया था जी। नहीं कुछ नहीं, गलती भी हो सकती है। आप ऐसा कीजिए, सामने के बस स्टॉप से एयरलाइन की बस पकड़ लीजिए, आपको आसानी होगी। सहानी तो नहीं? वीर साहब, ओ मैं क्या कैप्टन वीर सहानी साहब? ये कौन पीछा कर रहा है? चलो मैं तुम्हें उस सामने वाले होटल में रखवा देता हूँ। प्लीज साइन हियर। Follow me, sir. कमाल है, इधर कोई नहीं। Your keys, sir. Thank you. भगवान रक्षा करना। Well, third floor, room 31, yeah. तुम अपना ठीक से यहाँ जमा लो और मैं अपने भाई साहब यहाँ जाता हूँ। भाई नहीं, मैं तो अकेली डर के मारे मर जाऊंगी। और किसी आदमी के साथ अकेले रहने में डर नहीं लगेगा? आपने तो मेरी रक्षा की है, आपसे डर कैसा? इतना भरोसा है मुझ पर? मुझे अपने कन्हैया पे भरोसा है, और कन्हैया ही ने तो आपको मेरी रक्षा के लिए भेजा है। लेकिन एक ही कमरा और हम दोनों, और बीच में ना कोई पर्दा। पर्दा? पर्दा ये जो है, साड़ी को टांग देंगे। ये कोई आया, जल्दी से चिप जाओ। खुश आमदीद। मुझे खाकसार को अनवर कहते हैं और मैं लंदन एयरपोर्ट की सफाई करता हूँ। और कमाल की बात तो ये है कि पूरब से आने वाले अपने जितने भी भाई लोग हैं, उन सबको सबसे पहले मेरी नजरों के सामने से गुजरना पड़ता है। अनवर से मत डरो भाईजान, हालांकि उसे मालूम है कि आपके साथ एक आदत हसीना है। लेकिन अनवर को अपना यार समझो। अनवर? अनवर? ओ
जी। क्या नाम है तुम्हारा? अनवर सईद। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें याद होगा मैदान जंग में सीज फायर के दिन हिंदुस्तान की सरहद पर मुझे जख्मी हालत में उठाकर तुमने एम्बुलेंस में रखा था। उस एम्बुलेंस ने मुझे ले जाकर मिलिट्री अस्पताल में फेंक दिया। उसके बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जंगी कैदियों का तबादला हुआ तो उन्होंने मुझे मेरे वतन भेज दिया मियां वाली। लेकिन किस्मत में गोरों का मुल्क लिखा हुआ था, यहाँ का आटा और दाना खाना था। फौज से छुटकारा पाते मैं गेंद की तरह उछलता उछलता इधर आ पहुंचा। मजाक छोड़ो और सानू अपना समझो। ये लो स्वामी जी, ये वीर है ना, इसने बांग्लादेश की लड़ाई में मेरी जान बचाई थी और खुदा दी कसम लंदन में मैं इसके वास्ते कुछ भी कर सकता हूँ। सर, मुझे समीर सानी साहब से मिलना है। जी समीर 7 बजे आएगा, उसके बाद हम चीयर्स करेगा। मिस्टर बांस, बांस समीर के लिए दरवाजा खोलेगा, यह उसका घर है और कोई नहीं अंदर आएगा। हम तुम्हारा वेट करेगा माय सन, तुम आएगा तो हम ड्रिंक करेगा। ये समीर की आखिरी चिट्ठी जो उसने अपने घर वालों को लिखी, इसमें आपका भी जिक्र है। मैं समीर का छोटा भाई वीर। अरे हाँ, यही तो वो लेटर है जो समीर ने लिखा था। वही, उसी टेबल पे बैठे, इन फ्रंट ऑफ मी। आओ आओ, देखो आओ आओ, वो देखो, वो उसी की फोटोग्राफ है जो मैंने उसी टाइम ली थी जब वो यहां से गया था। ग्रे सूट में बहुत स्मार्ट लगता था समीर। तुम बोल कर गया था शाम को 7 बजे आऊंगा, इतना दिन तुम कहां गया? अब तुम आएगा तो हम चीयर्स बोलेगा, तुम्हारा पप का खुशी में पूरा बोतल पी के ड्रंक हो जाएगा। कौन सी पब मिस्टर बांस? वो गुरनाम को पूछो, वो बताएगा। गुरनाम? हाँ, समीर और गुरनाम दोनों पार्टनर्स हैं। अब समीर आएगा तो बताएगा। सिट डाउन सिट डाउन। समीर बिल्कुल हमारा बेटा समान है, हमें अपने घर में लाया, अपने पास रखा और उस पब की सेरेमनी के वास्ते समीर घर से गया। सुबह 10 बजे गया। एंड यू नो समीर की जगह कौन आया उस रात? गुरनाम और हमारा डॉटर सिल्विया, उसकी मंगेतर। अब इस पब में मेरा भी उतना ही हिस्सा है जितना कि तुम्हारा। तो शोर क्यों मचाती हो? इसलिए कि तुम अगर बेईमानी करोगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। मुझे तुम पर बिल्कुल फेथ नहीं है। मुझे भी नहीं है, न तुम पर न तुम्हारी। अगर यही बात है तो छोड़ दो मुझे। आई लीव यू। मिलने न टप्पर से और उस वकील से खुद ही। देखूंगी शराब खाने के कागजात तुम्हें कैसे देंगे। यू विल बी सॉरी। हम दोनों खामखा परेशान है डार्लिंग। समीर वाली बात जरा ठंडी हो जाने तो फिर हम लोग आपस में बैठकर तय कर लेते हैं। सिल्विया, गुरनाम को छोड़ दो। लीव हिम, बदमाश है गुरनाम। तुझे मौत कब आएगी? अब मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। सिल्विया, जाने दो मुझे।
सिल्विया जाओ जाओ मत ले सिल्विया प्लीज जाने दो सिल्विया सिल्विया जाने दो प्लीज सिल्विया ओह गॉड लॉर्ड जीसस फॉरगिव अस मिस्टर बार्न्स कुछ पता चला गुरनाम क्यों आया था यहां गुरनाम मिलने आया था आपसे या समीर से ओ कुछ लेने आया था यहां कुछ लेके गए यहां से नहीं हम कुछ सुने नहीं दिया इधर उधर देख रहा था सर्च कर रहा था क्या सर्च कर रहा था कुछ पेपर सर्च कर रहा था हम बोला समीर का चीज उठाएगा तो हम पुलिस को फोन कर देगा तो चला गया यहां से इसके बाद इस दौरान में गुरनाम फिर आया यहां हां हां एक बार आया दरवाजा नॉक किया हम बोला दरवाजा नहीं खोलेगा समीर आएगा तो खोलेगा ये समीर का घर है ये देखो ये समीर का चाबी हम छुपा रखा हां क्यों गुरुनाम मांगता था ये चाबी बोलता था समीर के डॉक्यूमेंट्स निकालना है कैसी डॉक्यूमेंट्स मिस्टर बॉन्स ये देखो समीर अपने सब डॉक्यूमेंट्स यहां रखता है देखो देखो हमको सब बताता है देखो ये कैसे कागजात हैं अरे ये तो समीर गुरनाम का पार्टनरशिप लेटर है यही मांगता था गुरनाम हम बोलेगा समीर आएगा तो वो 7 बजे आएगा फिर हम चेयर्स बोलेगा जी हाँ ये चिट्ठी मैंने ही लिखी थी हमें अफसोस है कि अभी तक हम समीर का कोई पता नहीं लगा सके कश्यप साहब क्या लगता है आपका मेरे भाई साहब कहां गुम हो गए देखिए दो ही बातें हो सकती हैं या वो किसी एक्सीडेंट का शिकार बने या किसी कत्ल के और दोनों हालात में उनकी बॉडी कहीं तो मिलनी चाहिए थी लेकिन पुलिस को मिस्टर समीर की बॉडी कहीं नहीं मिली इसलिए हम यही कह सकते हैं कि वो लापता है ताज्जुब की बात है उसी रोज सुबह आपके भाई साहब से मेरे टेलीफोन पे बात हुई और उन्होंने खास मुझे टेलीफोन पे पब में हवन के लिए बुलाया ठीक 11 बजे मैंने पब के दरवाजे की घंटी बजाई सिल्विया ने दरवाजा खोला और कहने लगी समीर अभी तक नहीं आया सफाई चल रही है थोड़ी देर के बाद आना मैं बाहर इंतजार करता रहा हवन के पंडित जी भी आ गए लेकिन समीर का कोई पता नहीं चला फिर मैंने इंस्पेक्टर मार्टिन को बुलाया और रात ढलने तक हम समीर के लिए पब में बैठे रहे गुरनाम भी हमारे साथ था आपके ख्याल में मेरे भाई साहब के लापता होने में गुरनाम साहब का जो कि मेरे भाई साहब के पब में पार्टनर हैं हाथ हो सकता है ये हम कैसे कह सकते हैं किसी ने कुछ नहीं देखा लेकिन मिस्टर बार्न्स की बातों से शक पड़ता है कि शायद गुरनाम जानता है ये मत समझे कि हमारा डिपार्टमेंट चुप बैठा है गुरनाम पर भी पूरी निगरानी है लेकिन कोई सबूत तो आना चाहिए हमारे हाथ हादसा अगर पब में हुआ होता तो समीर की बॉडी कहीं तो मिलनी चाहिए थी वो उसे पब से बाहर ले जा सकते थे या दरिया में फेंक सकते थे सिल्विया के रोक देने के बाद मैं पब के दरवाजे के बिल्कुल ही बाहर टहलता रहा और मैंने किसी को बाहर निकलते हुए नहीं देखा और रिवर पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने सारा दरिया छान मारा लेकिन उन्हें कोई लाश दरिया में नहीं मिली अगर आप सिर्फ अपने भाई साहब के लिए यहां आए तो अपना वक्त और पैसा बर्बाद मत कीजिए ये काम स्कॉटलैंड यार्ड वालों का है और बड़ी होशियार और काबिल है यहां की पुलिस के लिए ये हजारों में एक केस होगा लेकिन मेरा तो एक ही भाई है कश्यप साहब अपने हिंदुस्तानी भाई समझ कर मुझे एक ही वादा दिलवाइए कि पुलिस की वजह से गुरनाम को मालूम नहीं होगा कि समीर का भाई लंदन में है दैट वी प्रॉमिस यू मिस्टर सानी हम आपके साथ हैं थैंक यू सर थैंक यू आपके भाई साहब मिले नहीं मिलेंगे इसीलिए तो यहाँ ठहरा हूँ गौरी क्या नाम बताया था तुमने उनका जिनसे तुम्हारी शादी होने वाली गुरनाम उसकी तस्वीर है मेरे पास जिसमें उसका नाम और पता है ए,
एस गुरनाम सैम एंड नैम पब पब कहीं ये आदमी वही तो नहीं। मैं पूजा कर रही थी तो मेरे भगवान ने कहा आपने मेरी मदद की है तो मैं आपकी मदद करूं। तुम मेरी मदद कैसे करोगी गौरी? एक से दो भले, आप जहां जहां जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी। अगर कहीं अचानक तुम्हारे सामने गुरनाम साहब आ गए तो? वो अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप जो मेरे साथ हैं। तो पहले भेष बदलना होगा। हाँ सुना लगता है ये शराबखाना कुछ खाली खाली सा है। पहले भरा रहता था अंग्रेजों से, और कोई हिंदुस्तानी अंदर घुसता था तो सबकी आंखें घूम जाती थी उसकी तरफ नफरत से। जब से गौरनम साहब ने खरीदा है अंग्रेज तो आने से रहे, हिंदुस्तानी भी नहीं घुसते। गौरनम साहब दो चार थोड़ी थोड़ी में रख लो सर्विस के लिए, फिर आएगा मजा यहाँ शराब पीने का। लोग भी ज्यादा आएंगे और आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। क्या चाहिए? दो विस्की, एक बड़ा एक छोटा। यस प्लीज। इजाजत हो तो ड्रिंक्स बाहर ले जाएं? हाँ हाँ ले जाओ, लेकिन जरा जल्दी। काले रना चिटियां ते गबरू काले वीर मेरे अवे जुगनी ओ मुंशी खिड़की ओले हसे वीर मेरे अवे जुगनी कंदिया ते मुंशी खिड़की कोले हसे वीर मेरे अवे। बड़ा उम्दा शराब खाना है ये दोस्त, किसने खोला है? बार बोर्ड नजर नहीं आता क्या सैम और नाम ने? वही तो पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? ओ भाई समीर साहब से सैम और गौरनम से नाम। गौरनम? ओ यार सीधा साधा गुरनाम है, विलायत में आगे लोगों के नाम बदल जाते हैं ना। लेकिन समीर साहब तो समीर साहब ही बने रहे, वो कहाँ हैं? समीर साहब गायब ने गायब, बिल्कुल लापता। कहाँ गायब हो गए? ज्यादा सवाल पूछोगे तो इतना ही कहूंगा, ग्लास खत्म करो, रास्ता नापो, बार बंद हो चुकी है। मैं तेनु कह चुका फुट जा। ऐश मत खाओ यार, हम भी तुम्हारी तरह परदेसी हैं, कहीं हमारा भी चांस वांस नहीं लग सकता यहाँ इस बार में नौकरी का। वाहे गुरु से दुआ मांगो के रातों रात तुमको छोकरी बना दे, साहब तुमको नौकरी पे जरूर रखेगा। देखो कल कुछ लड़कियां इंटरव्यू के लिए आ रही हैं, इस बात का ख्याल रखना कि मेम साहब कोई ऐसी वैसी बदसूरत लड़की ना रखे। और तुसी बिल्कुल फिक्र मत करो साहब जी, बदसूरत छोकरी को तो हम अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। तू बड़ा समझदार है, शाबाश, ये लो। लॉट ऑफ थैंक यू सर। ये गुरनाम साहब जो तुम्हें फंसाने के चक्कर में थे वही हैं जिनका मेरे भाई को गायब करने में हाथ हो सकता है, और इस राज का पता लगाने के लिए जरूरी है कि मैं इस शराबखाने में काम करूं। वो? मुझे तो यहाँ नौकरी मिलेगी नहीं, लेकिन अगर तुम तुम्हारे भाई का पता लगाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, करूंगा। चाल सही होगी अगर गुरनाम और उसके मंगेतर मेम साहब सिल्विया के बीच तुम्हें डाल दिया जाए। हाँ। भेद निकलवाने होंगे, पता लगाना होगा कि कौन क्या है और क्यों है, कौन आता है कौन जाता है, क्या कहता है, सब कुछ भांपना होगा। इंटरव्यू के लिए आने से पहले थोड़ी ट्रेनिंग लेनी होगी मुझसे। हाँ। तो फिर करो चेयर्स, गिलास उठा के चेयर्स तो करो, पीना मत। और चलो जल्दी करो, पियो, बार बंद करो, पियो मत, जल्दी करो, पता नहीं कितनों से आ जाते हैं। चढ़ गई। ले लो टिकट, बोलो थैंक यू। या? बोलो थैंक यू। थैंक यू। यस सर। यस सर। नो सर। नो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फिर से बोलो यस सर। यस सर। नो सर। नो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब बोलो तुम बॉय हो या गर्ल? यस सर। नो सर। नहीं चलेगा। थैंक यू सर। नहीं चलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम्हें जबान बंद रखनी होगी, तुम्हें गूंगी बन के जाना होगा। गूंगी? हाँ गूंगी, वरना पकड़ी जाओगी, तुम्हें वो नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा सारा प्लान फट हो जाएगा। नहीं
लेकिन मैं गूंगी नहीं हूँ, आपने मुझे गूंगी कैसे बना दिया? नहीं नहीं, तुम गूंगी नहीं हो, लेकिन गूंगी की थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? हाँ, मतलब थोड़ी बनावट दिखानी पड़ेगी और विलायती मेम बन के जाना पड़ेगा। विलायती मेम? मतलब जैसे देखो देखो लड़की ने क्या पहन रखा है, देखो। हाय, मैं मर गई, बेशरम। ये बेशर्मी यहाँ का फैशन है। लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं है, मैं ये फैशन नहीं करूंगी। अपने गांव में मत करना है, लेकिन ये तो परदेश है। ना बाबा ना, वैसे कपड़े पहनने में मुझे शर्म आएगी। जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या चलना। अरे जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या चलना। अरे छोड़ो रानी छोड़ो, यूं ही आहे भरना। अरे काहे की शर्म है कुड़िए, जल्दी करना। ढकले गोरी तन का ढकना है बेकार, ढकना है बेकार। फूल महके जब तक उसका खिलना है बेकार। अरे अक्सर ऐसा होता है, पहली पहली बार, पहली पहली बार। आ मुझसे तू ले ले हिम्मत थोड़ी सी उधार। झूठ बोलू न बोलू न बोलू बोलू रे, अरे हाथों में मेरे तू अपना हाथ धरना। अरे वाह भाई वाह, हुई गलना।
कचरा। पुलिस टन घूमो। ओए नॉट यू, यू ठहरो, हम कमिंग है। हुण तुसी दसो इनमें से किसको लेके जाऊं ते इंटरव्यू के लिए? जरा मेरा चश्मा देना। कमिंग आप जी। ओह कोई खास बात बनी नहीं, पीछ वाली जरा ठीक है, अरे ऐसी तो यहाँ आम मिल जाती हैं। आज इन्हें टाल जाओ, कल शायद कुछ नई आ जाए। दाद तुसी बिल्कुल फिक्र मत करो जी, इनको होनी थोड़ी सी बियर शेयर पिला के फुटा देता हूँ। बिल्कुल घबरा नहीं, बस जबान बंद रखना है, चश्मा पहन लो। इंटरव्यू टुमारो होगा जी कल, आज हमारा साहब नॉट वेल, टुमारो टुमारो इंटरव्यू, आज आज हमारे साथ बियर पियो। देखो जी, टुडे यू विल ड्रिंक विद बूटा सिंह, ऑल इंडिया किंग। भगवान रक्षा करना। बूटा सिंह। यस सर। बाय बाय गर्ल्स, सत श्री अकाल, फिर मिलूंगा। अबे देखता नहीं बाहर, इसे जल्दी से ऊपर ले जा इंटरव्यू के लिए। ये ले। यस सर। आइए आइए, आपको तो सीधा होते आ जाना चाहिए था, आप नीचे खड़े क्या कर रही हैं? होते आ जाओ महाराज, आपको तनख्वाह भी तगड़ी मिलेगी, यानी 20 पाउंड पूरे हफ्ते के, हिंदुस्तानी हिसाब से 350 रुपए हफ्ता, शराब भी मुफ्त मिलेगी और फिर टिप्स भी मिलेगी, टिप्स उसमें से 50% हमारा होगा। नाम क्या है तुम्हारा? नाम, मैं नाम पूछ रहा हूं तुम्हारा। बैरी हो? गूंगी हो? विदाइश थे? एक्सीडेंट हुआ होगा। मैं भी कहूं कि मालिक तो इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता। साहब जी, जबान नहीं खोलती गूंगी है। हमने कौन से उससे गीता के पाठ पढ़वाने हैं, बल्कि ऐसी लड़कियों को जबान खोलनी नहीं चाहिए। जा ले जाओ उसे जल्दी। आओ ऊपर चलो। चलो ना। योर नेम? बेचारी गूंगी है मेम साहब, मगर सुन सकती है, अपना नाम बता दो। शबनम। मालूम है ना क्या काम करना होगा यहाँ? हिंदुस्तानी हो? कहां से? युगांडा से? आई सी। गूंगी है मेम साहब, रख लो इसको, साहब जी अपनी ठरक भी नहीं चाड़ सकेंगे और कस्टमर इसके हाथ से दारू पी के खुश हो जाएंगे। सैलरी बता दी इसे? हाँ, पूरे 20 पाउंड हफ्ता बता दिया। ठीक है, काम समझा दो इसे। ऑल राइट। ये हमारे साहब हैं गुरनाम साहब, ये बड़े नेक बड़े दयालु आदमी हैं। इनके साथ जो भी काम करता है उनका बहुत ख्याल रखते हैं, हमारी तरफ देख लो। देखो यहाँ ध्यान से काम करना, सबको खुश रखना, यही तुम्हारा काम है। अरे तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, इस लड़की को काम सिखाओ। आज मैं साथ रहूंगी। तुम साथ रहो। गंगाराम।
गंगाराम अगर अभी भी डॉक्टर नहीं बुलाया तो इसकी हत्या हार असर होगी, मर जाएगा ये। तो फिर जाओ बुलाकर लाओ डॉक्टर को, बाहर निकलकर खड़े होकर बोल दो कि कौन हो तुम लोग और किसके लिए चाहिए डॉक्टर। देखूंगा, पहले पुलिस आएगी बाद में आएगा डॉक्टर, गैर कानूनी लोग हैं हम, जिंदा लाशें हैं इस पराए मुल्क में, न खुलकर जी सकते हैं न खुलकर मर सकते हैं। चिल्लाओ नहीं, रोना बंद करो, तुम रो भी नहीं सकोगे खुल के। जल्दी से इसकी लाश कमल में लपेटू और दबा दू कहीं ले जाकर के। मालूम है मुरारी कौन है? हिंदू है, इसे दफनाने की बात कर रहे हो। इसका इसका तो अंतिम संस्कार करना होगा, इसे जलाना होगा। तो लगा दो तीली, इसे दुनिया देखेगी। आज ये मरा है, हम सब भी मरेंगे इसके साथ। क्या क्या तुम सब जेलों में मरना चाहते हो? भगवान कसम तुम्हारे खून का बदला लिया जाएगा गुरनाम, तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चला दो उसका शराब खाना, चला। वीर वीर बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया गुरनाम के नाम पे, लोग उसका खून पीने पे तुले हुए। कौन लोग? वो मेरे घर में कुछ लड़के लोग रहते हैं, आपस में बात कर रहे थे, मैंने उड़ती उड़ती सुनी है। अब अगर मैं उनसे कुछ पूछता हूँ तो ना वो कुछ मुझे बोलेंगे ना कुछ बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका और गुरनाम का आपस में कुछ है। अगर तुम बोलो तो मिला दो। उनसे भी मिलते हैं, लेकिन पहले कुछ ऐसी तिकड़म बढ़ाओ कि मैं गुरनाम के शराब खाने में घुस सकूं। एक बियर प्लीज। ओए, एक वड़ा विस्की मिस नीट। शाला जवानियां माने खाना मोदी पीले पी पी पीले पीले शाला जवानियां। एक विस्की है, बकवास है। हमने पटियाला पैक मांगा था, पटियाला। ओए पटियाला दे पुत्र, तेन पटियाला चाहिए है, तू पटियाला जा इत्थे की कर रहा है? बाऊ हमने विस्की मांगी है, सलाह नहीं। कोई शर्म नहीं आती, पंजाब का नाम बदनाम करता है प्रदेश के आके। वो मार दिया जालिम तेरी तो। रुक जाइए गांधी साहब, ऐसे गुंडे बहुत से देखे हैं मैंने, मेरा तो धंधा इनसे टक्कर लेना रहा है। ओ मैं तेरा गिवा बना दूंगा, मेरा चाकू कितने है? आजा इधर, आजा आजा। मिली नहीं रहा हाथ में, आजा आजा। हाँ 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 मेरी नाक फूट गई। एक विस्की गवर्नम साहब बेचारे की नाक टूट गई है, डिजर्व करता है। ले आप पी और याद कर पटियाला को। इतने पैसे हुए दो विस्की के, एक तो वो जो उसने गिरा दिया, दूसरी जो भी आपने दी। छह शिलिंग उसके तो छह शिलिंग इसके। बस इतने थे बस का किराया, और अगर कोई बदतमीजी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अब जी शेख ही पकार गया, कल ही मेरे पास आया था, मेरे से पूछ रहा था कोई नौकरी वोकरी मिलेगी इधर। देखा शोआफ कर रहे हैं, बड़ा चालाक आदमी है। अरे हमसे ज्यादा क्या चालाक होगा। ए नौजवान कब से आए हो विलायत में? बस यूं समझिए कि कदम ही रखा है, नौकरी की तलाश में। किस कसम की नौकरी चाहिए तुम्हें? चाहिए तो बहुत बड़ी, लेकिन फिलहाल खाने पकाने और बर्तन साफ करने का कुछ भी काम चलेगा, लेकिन अगर आप बार में रख लें तो आपके बहुत काम आऊंगा। मजाल है कोई आदमी ऐसी वैसी हरकत करने लगे। कहां के रहने वाले हो? पंजाबी क्रिश्चियन हूँ। नाम? टोनी। टोनी? टोनी टक्कर। बड़ा अजीब नाम है। कभी फौज में था तो छोटी छोटी बातों में लोगों से टक्कर ले लिया करता था। अच्छा। यार लोगों ने टक्कर के नाम से मशहूर कर दिया। वैसे मेरी टक्कर बहुत मशहूर है, आप देख ही चुके हैं। अभी कच्ची नौकरी दूंगा, अगर काम पसंद आए तो नौकरी पक्की हो जाएगी और तनख्वाह भी जबी फिक्स होगी, समझे? अगर मेरी वजह से आपकी बार खचा खच ना भरने लगे तो तनख्वाह दिए बगैर निकाल दीजिए। We'll be right back.
सर्दी में जब पियोगे यारो, सर्दी में जब पियोगे यारो गर्म कोट बन जाएगा, ये हाई गर्मी तो मदिरा जल ठंडक तुमको पहुंचाएगा। हर रंग भरेगा सपनों में आंखों में जब ये बस जाएगा, मन को तेरे भी तेरा बस यही कहीं पे मिल जाएगा। काहे को तू फिरे अकेला, मस्ती जरा जी और जी। गुजराती वो बंगाली, ये गुजराती वो बंगाली, ये दिलवाला वो दिलवाली, मैं देसी हूँ तू परदेसी, फिर भी धड़कन है एक जैसी। और ये मद्रासी वो पंजाबी, हरता लेकी है एक चाबी, प्यार के मारे सब बेचारे गोरे काले ये मतवाले। हर वर्कर हो या मालिक मिलका, वर्कर हो या मालिक मिलका, रात का प्यासा भूखा दिन का, तू आना घबरा उधार न चलाओ कभी, पैसे साथ लाओ अभी, अभी ये दुकान है खुली के पहली पहली बिक्री मेरी, बेचू मैं तो सस्ती जरा जी और जी। घरवालों की याद सताए, घरवालों की याद सताए, या आंखों में आंसू आए, हमको देखो क्यों हंसी के सीकर हम कैसे मुस्काए। इसमें कितने राज छुपे हैं पूछो मेरे दिल से तुम, बैठे बैठे महफिल से होता है कैसे कोई गुम। हर दुनिया सारी हिल जाएगी, हर दुनिया सारी हिल जाएगी, फटी जेब भी सिल जाएगी, आ तू भी बन जा राजा, हर लफड़ा न करो कभी, झगड़ा न करो कभी, भंगड़ा तो पाओ जरा झट जी, और बल्ले बल्ले बच के कहीं डूबे ना ये कश्ती जरा जी और जी। कहता ये
पी के तू साला मोटा हो गया। आज तेरी नई कुड़ी को उठा के ले जाएंगे हम लोग। तेनू निला के छड़ूंगा, तेरे को निला के छोड़ूंगा। है डुबकी रब के नाम की, मालिक नाम की डुबकी। फुल पकड़ दे। मैं तो सिर्फ दारू पीने आया था भाई। अब दारू के पैसे तो निकाल। अगली बार दंगा किया तो तुम लोगों की लाशें निकलेंगी यहां से। तुम बहुत बहादुर हो टोनी, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू गाने। कोई बात नहीं पुत्रा, जितनी नौकरी पक्की करनी है कर ले तू, एंड में तो पलड़ा हमारा ही भारी होगा ना। लगता टोनी नाम विलायत में आके रखा है, इसमें तो अच्छा खासा देसी नाम है वीर सानी। तो तू बिल्कुल घबरा मत, जो हमारे दिल में है ना वो हमारे अंदर ही रहेगी। हमको इससे कोई मतलब नहीं कि तू यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, किसके पीछे आया। हमको तो सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब है। कितनी है कमीशन? इस राज को अपने तक रखने की जितनी कीमत समझते हो बस उतनी, और आइंदा के लिए अपने कान और अपनी आंखें बंद करने के पैसे तो मैं रोकड़ा लूंगा। जितना रोकड़ा जेब में है उतना ही दे सकूंगा, उसके ऊपर तो। उसके ऊपर की तो बिल्कुल फिक्र मत कर, उसके ऊपर तो जो बाहर में कमाता है ना उसमें से मैं आधा ले लूंगा 50-50, वरना बूटा सिंह के होते हुए इस बार में कोई दूसरा नौकरी नहीं कर सकता। और उसके बाद बेईमानी तो नहीं होगी? बेईमानी वो लाए तू आज माँ के देख ले यार, का दी बेईमानी लाए। बेईमानी ये तो बंदा हद लगता है। अचंभे में पड़ गया जब सुना कि गौरी तुम्हारे तक पहुंची ही नहीं। मैंने खुद उसको हवाई जहाज पर बैठाया, उसकी उस रोज की दुल्हन के रूप में तस्वीर भी भेज रहा हूं। इंक्वायरी कराओ। आपकी 101 नंबर की एयर इंडिया फ्लाइट से आने वाली पैसेंजर लिस्ट में उसका नाम भी है, मिसेज गौरी गौरनम, और ये दुल्हन के रूप में उसकी तस्वीर। अभी कुछ ही महीनों पहले हिंदुस्तान में मैंने उससे शादी की थी, और आपके पासपोर्ट ऑफिसर का कहना यह है कि उसने ऐसी ही किसी लड़की के पासपोर्ट पर मोहर लगाई। यस सर। दिस इज इंस्पेक्टर मार्टिन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड स्पीकिंग। एन इंडियन गर्ल, एज 18 इयर्स, हाइट 5 feet 4 inches, फेयर कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर, गुड लुकिंग, स्लिम एंड ड्रेस्ड इन द अटायर ऑफ अ न्यूली वेडेड इंडियन ब्राइड, इज अब्सकॉन्डिंग। Anybody knowing the particulars of the whereabouts of this girl, or anyone having spotted this girl, please report immediately to Scotland Yard. ये उस भागी हुई लड़की की फोटो है। उसे कहीं कोई देखे तो पुलिस के हवाले कर दे। वो UK में साइमन नाम के मिस्टर एस गोर्नम की बीबी बन के आई है। A key, please. ये तो मेरी तस्वीर है। Here's the key, please. Thank you. Thank you. वो तस्वीर जरूर।
जरूर पुलिस ने छिपवाई है। अब क्या होगा? भगवान रक्षा करना। Yes. You mind, sir, if I could see your passport? हमारे पासपोर्ट मांग रहा है। जरा ऊंची आवाज में आरती गाओ। ओरे ओ बनवारी, ओरे। हमारी आरती खत्म हो जाने दीजिए। मेरा मतलब है काइंडली लेट अस फिनिश अप प्रेयर। ओरे ओ बनवारी, ओरे शाहमारी, ओरे ओ। आरती करती जाना, रुकना नहीं। ओरे हमारी, ओरे ओ बनवारी, ओरे ओ बनवारी, सुन ले विनती हमारी। पहले मैं उतरता हूँ और फिर नीचे से तुम्हें सहारा देता हूँ। करो रक्षा हमारी, ओरे ओ बनवारी, करो रक्षा हमारी, ओरे ओ बनवारी, ओरे ओ बनवारी, ओरे श्याम गिरधारी, करो रक्षा हमारी, ओरे ओ बनवारी, ओरे ओ बनवारी, गौरी करो रक्षा हमारी, करो रक्षा हमारी, करो रक्षा हमारी, करो रक्षा हमारी, ओरे ओ बनवारी, ओरे ओ बनवारी। MMN908L. Heading in direction of King's Road. Request to be followed. Next to the Indian YMCA Hall, 41 Fitzroy Square. उसके पीछे ही अनवर का घर है। समझने के लिए अंदर हॉल में घुस जाते हैं। कोई हिंदुस्तानी प्रोग्राम चल रहा लगता है। भारत में प्लेन लेट हो जाने की वजह से प्रोग्राम में नहीं पहुंच सकी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब उनका प्रोग्राम कल पेश किया जाएगा। कहना चाहता हूँ, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं यहाँ के लोकल आर्टिस्ट। और हमने लोकल आर्टिस्टों के लिए टिकटें नहीं खरीदी, हमें नसीम बानो चाहिए। नसीम बानो जी जरूर तशरीफ लाएंगी, लेकिन कल आएंगी। आज हिंदुस्तान का नाम अनाउंस करते हैं और पब्लिक को लूटते हैं। हमें नसीम बानो चाहिए, नसीम बानो। हमें प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम चाहिए जिसके लिए हमने दो पैसे खर्चे। नहीं तो हमारे पैसे वापस कीजिए। एडवांस बुकिंग करवाई थी एक हफ्ता पहले। रास्ता छोड़िए, रास्ता नसीम बानो पहुंच गई है। स्टेज पे जाने दीजिए, स्टेज पे आइए। चलिए नसीम बानो जी, आइए चलिए। नसीम बानो, अरे हार लाओ, हार हार लाओ। इस मशहूर गाने वाले की एक्टिंग करते हो। माइक्रोफोन लाइए, माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन नहीं, हैंड माइक्रोफोन लाओ, हैंड माइक्रोफोन, हैंड माइक्रोफोन क्या दिए हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, प्रोग्राम वाले सच्चे हैं कि नसीम बानो जी का हवाई जहाज लेट हो गया, लेकिन नसीम बानो जी भी अपने वादे की सच्ची हैं। हवाई जहाज उतरते ही फौरन हेलीकॉप्टर चार्टर किया,
ताकि उनके वक्त में ना पहुंचने की वजह से उनके फैंस मायूस ना हो। देखिए जल्दी में मैंने कपड़े भी नहीं बदले। ये सब झूठ है, ट्रिक है, याद में 420 है। लगता है इतनी पी के आए हैं बाहर से कि अभी तक बारी के ख्वाब देख रहे हैं जना। इसकी बातों में ये बार में था। शराब का नशा उतारिए और इस दूसरी शराब का नशा लीजिए। बेकरारी हद से बढ़ जाए उसे सदा कहते हैं और वादा करके देर से आने को अदा कहते हैं। नसीम बानो Hey, hey, hey.
किसने घंटी बजाई भाई? या वीर तू? अनु तुमने कहा था कभी जरूरत पड़े तो तुम्हारा घर मेरा घर है। ओ कमाल है यार, मैं तो तुमको उसी दिन लाने वाला था। ओए तुम लोग ड्यूटी पे नहीं गए? अब यहाँ से बच के नहीं जाओगे बच्चों? ओ बच्चों के पुत्र हट, भून के रख दूंगा। ये क्या होलिया बना रखा? नहीं इनका भी कोई दोष नहीं, वो गुरनाम साहब की बात खुली है ना। नहीं नहीं ऐसे दंगे हो जाते हैं। ओ मैं समझ गया, ये लोग ड्यूटी पे जाने के बजाय शराब खाने में गए थे। ओ नानी याद आ गई होगी तुम सबको। हाँ वो मेरी नाक से सबक लिया होता यार, जो अब तक दुख रही है। और उलझ पड़ा ऐसे आदमी से जिसका नाम वीर है। ये वीर मेरा भाई है और ये मेरी बहन है। चलो जी। इन सब का क्या चक्कर है? क्या लगता है कुछ रोज इन पर निगरानी रखे? हाँ ये सब मेरे नाल रहते हैं। ये सो रहे हैं ये पहली शिफ्ट वाले हैं और दूसरी शिफ्ट वाले मेरे पीछे हैं। और जब ये पहली शिफ्ट वाले ड्यूटी पे जाते हैं तो दूसरी शिफ्ट वाले आके इन्हीं बिस्तरों में घुस जाते हैं। तू फिक्र न कर यार, जहाँ 12 है वहां 14 सही। कुड़िए तू मेरी बहन है, तू मेरे बिस्तर में सोना, मैं ऊपर जाके सब ठीक करके आता हूँ। तू ऊपर रहना, मैं और वीर नीचे बिस्तर लगा के सो जाएंगे। जो कुछ भी बार में हुआ उसके लिए दिलो जान से माफी चाहता हूँ। अनवर मियां के घर आए हो इसलिए हाथ नहीं उठाते हैं, फिर मिलेंगे कभी। और चुप हो, पाड़ा तो देते हो हफ्ते का 1 पाउंड और गल्ला ऐसी करते हो जैसे सारा लंदन खरीद लिया। फिट है मुंह तो अड्डा। हमारा तो कुछ नहीं लेकिन गंगाराम का गिरोह अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हेलो गुरनाम सुवर्दे पुत्र, मैदान जंग में आ, अब हमारी लड़ाई शुरू। इस हफ्ते से तुम और बंसी अपनी कमीशन लेने से रहे, समझे? कौन बोल रहा है? कल जब तुम टैक्स बटोरने आओगे तब पता चलेगा, यू बास्टर्ड। हेलो हेलो, क्यों ना टोनी को भेजा जाए कमीशन बटोरने के लिए? देया थैंक यू, सिक्स शिलिंग्स लागा। यू वांट स्कॉच? वन स्कॉच एस एंड वन लागा। वन सेकंड, सिक्स शिलिंग्स अगेन। सरदार जी आपके पैसे। अब तुम्ही को टिप देते हैं, कहीं जोश में आकर जबान नहीं खोल देना। देखते जाओ मत भूलो कि तुम गूंगी हो। यस सर। अब चाहे तुम सचमुच गूंगी हो के बन रहे हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमारा 50% खरा हो जाना चाहिए बिल्कुल। टोनी और कभी कभी हमारी तरफ भी नजर फेर के देख लिया करो, हमने भी उसी प्रात का पानी पिया है जिसका टोनी ने पिया। खाली पैसे से काम नहीं चलेगा सुनियो नजर। हमारे कुछ किराएदार लंदन में इधर उधर फैले हुए हैं जिनसे हफ्ते भर का किराया वसूल करना है और इस जगह वो सब जमा होंगे और ये है लिस्ट उन किराएदारों की कि उनसे कितना कितना वसूल करना है। ओके गो एंड गेट इट जस्ट लाइक ए गुड बॉय। कौन लोग हैं इसके? अपने अपने नाम बोलिए। देखा रात को तो तेवर ही कुछ और थे जनाब के। गुरनाम नहीं आया? गुरनाम ने मुझे भेजा है। तो तुम उसके असिस्टेंट हो, कमीशन देते हो या लेते हो उससे? नहीं देंगे कमीशन हम। फैसला भी होगा कमीशन दी जाएगी कि नहीं। आज या गुरनाम रहेगा या हम। चोर है गुरनाम, महाचोर। अन्नदाता है गुरनाम, तुम्हारा रोटी देता है तुम्हें। हमें फुसला के झूठे वादे करके लाया है यहाँ। कोई जबरदस्ती नहीं लाया था तुम्हें गुरनाम यहाँ। तुम के गिड़ाते हुए हाथ जोड़ते हुए खुद आए थे उसके सहारे। वो नहीं होता देखता कैसे घुसते इस मुल्क में और अब तेवर दिखाते हो। तुम्हारी जुर्रत ही क्या है कि पराए मुल्क में आके अपनी बात करो? तुम बेगाने हो यहाँ, बेगाने रहोगे। बल्कि शुक्र गुजार रहा हूँ गुरनाम साहब के अभी तक यहाँ चल फिर रहे हो। पहले से जरिए तो बाद में लेते हैं गुरनाम से। ठीक है ठीक है, कीमा बनाओ छोले का इलेक्शन होता है। खबरदार ये मत भूलो कि इस मुल्क से जनाजा भी उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा तुम्हारा। दूसरा जिसने मेरे अंकल को मारा और आज हमें गोली मारेगा। हाँ लेकिन मैं थूकता हूँ तुझ पे और तुझ पे भी। गुरनाम
जी, अब मेरी जान लेंगे। कोई तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ वो कौन था जिसने तुम्हारे अंकल की जान ली और कैसे? नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गुरनाम के आदमी हो। मैं ना झूठा हूँ ना ही गुरनाम का आदमी हूँ, लेकिन गुरनाम का आदमी बन के जो कुछ भी मैंने वहां कहा सिर्फ इसलिए कि गुरनाम खिड़की के पीछे खड़ा सुन रहा था। माफ कीजिएगा, आप सोचते होंगे पागल आदमी बच्चे को परेशान कर रहा है, लेकिन परदेश में भटका हुआ रोशनी की तलाश में हूँ। इस बच्चे की वजह से एक हल्की सी किरण दिखाई थी जिसका पीछा करता करता इस मंदिर तक आ पहुंचा। मंदिर की शरण में तो कोई भी आ सकता है। हाँ, हाँ, बोलो बेटा, क्या चाहते हो? इस बच्चे को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपने अंकल के बारे में सच सच बताओगे तो यहाँ के भगवान साक्षी हैं कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। शनिवार था, सुबह का वक्त, हम बोट में नदी की सैर करते करते गुरुनाम के पब के पीछे से गुजरे। मेरे अंकल नदी पार करके उनसे मिलने गए, लेकिन गुरुनाम ने उनकी जान ले ली। हमने उनको पानी में से बहते हुए उठाया, खून से लथपथ। गुरुनाम ने तुम्हारे अंकल की जान ली शनिवार के रोज? वो भी तो शनिवार ही था जब मैं समीर के लिए हवन करने गया। आप समीर को जानते हैं? समीर सानी को? यही तो था खड़ा समीर उस रोज, बिल्कुल जहां तुम खड़े हो। इतना खुश कभी नहीं देखा उसे। कहने लगा, शास्त्री जी आशीर्वाद दीजिए, पब खरीद लिया है और अपने सारे परिवार को लंदन बुलवाने वाला हूं। समीर का परिवार बहुत दुखी है शास्त्री जी, उसके पिता, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका भाई बहुत परेशान है, जानना चाहता है कि समीर कहाँ है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन है जिसकी वजह से वो नहीं है। हजारों मील दूर आया हूँ शास्त्री जी अपने भाई समीर की तलाश में। तुम समीर के भाई हो बेटा? मैं भी इसी तलाश में था कि समीर के घर से कोई आए और मैं अपने मन का बोझ हल्का करूं। वो भी शनिवार का ही दिन था जब समीर ने मुझे अपने पब में हवन के लिए बुलाया था। मैं पहुंचा लेकिन समीर नहीं पहुंचा, या शायद मेरे पहुंचने से पहले ही पहुंच गया हो। और मैंने हवन कुंड में अग्नि लगाई ही थी कि भगवान भी यही कहता है कि समीर का खून हुआ है और गुरनाम को मालूम है। समीर की आत्मा अशांत भटक रही है बेटे इस परदेश में, और उस वक्त तक भटकती रहेगी जब तक उसका कोई अपना यहाँ आकर। समीर के खून के छींटों की पुकार ही को सुनकर उसका भाई साथ समुद्र पार आया है शास्त्री जी, और जब तक वो उस पाप को नष्ट नहीं कर लेगा जिसकी वजह से उसकी आत्मा अशांत भटक रही है, उसका धर्म इस जीवन में अधूरा रहेगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हें शक्ति दे कि तुम अपने भाई के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सको। मत समझो कि मंदिर में छुप के तुम हमसे बच सकोगे। गुरनाम तो भाग निकला है, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। निकलो बाहर। नहीं है 420, इस बच्चे और शास्त्री जी को भी फंसा लिया अपने छंगुल में। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। वीर को मैंने अपने हाथों से भगवान की शक्ति का वरदान दिया है।
मत रोकिए इन्हें शास्त्री जी, वरना मैं इन्हें अपना नहीं पाऊंगा। कौन है जो इस दिए को अपने हाथ में थामेगा ताकि मैं अपनी परीक्षा दे सकूं? जब तक आपको विश्वास नहीं हो जाता कि मैं आपका दोस्त और गुरनाम और बंसी का दुश्मन हूं, मेरा हाथ इस दिए की लौ पर रहेगा। और इससे पहले कि इस दिए की बत्तियां मेरे हाथ को भस्म करती हुई खुद भी राख हो जाएं, मुझे आप लोगों से भी इस बात का बीड़ा उठवाना है कि हम बंसी और गुरनाम के अन्याय के खिलाफ मरते दम तक एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। मैं अपने साथियों की तरफ से तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तो सबसे पहले मुझे आप लोगों की कमीशन चाहिए जो आप लोग हर हफ्ते एक गुरनाम और बंसी को देते। सिर्फ आखिरी बार देनी पड़ेगी आपको यह कमीशन, इसकी सौगंध खाता हूं। हम तुम्हारे साथ हैं दोस्तों, निकालो अपनी अपनी कमीशन और दे दो इन्हें। यही वो जगह जहां की मैंने लिफाफा पड़ा हुआ पाया था। दिन के 11 बजे के आसपास थे और शनिवार का दिन था, क्योंकि हर शनिवार को मैं सामने की दुकान से राशन लेने आता हूं। आपका काम हो गया गुरनाम साहब? हाँ, ये रही आपकी लिस्ट। गुड। और ये रहा आपका किराया। ओ वेरी गुड। अरे ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो तो आप देख ही रहे थे कि कुछ लोग बगावत कर बैठे थे लेकिन मैं उनके होश ठिकाने लगा रहे। टोनी, चोट ज्यादा तो नहीं लगी? फौज में रह चुका हूं गौरव साहब, इससे कहीं गहरी चोटें खाया हूं ये तो कुछ भी नहीं। हमारी नजर में तुम्हारी कदर और बढ़ गई टोनी, ये लो रख। ये इसकी कोई जरूरत नहीं गौरव साहब, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो बाहर एक ड्रिंक जरूर लेना चाहूंगा। ओह श्योर, व्हाई नॉट। अरे भाई, इस बार को अपना ही बार समझो। आपको एकदम अकेली देखकर पूछने चला कि आपको कोई ड्रिंक तो नहीं चाहिए? कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझसे करवा ले कीजिए। मसलन ये दीवारें देख लीजिए, कितना फीका पड़ गया है इनका रंग, सिवाय इस दीवार के जिसे लगता है कि शायद कुछ ही रोज पहले वार्निश किया गया है। ओह यस यस, हमने स्टार्ट तो किया था पेंट करना लेकिन बिजी होने की वजह से अधूरा छोड़ दिया। लाइए मैं कर दूं पेंट, बिल्कुल नया कर दूंगा ये कमरा। क्या ताजा खुशबू है इस वार्निश की। मत छू इसे, डोंट टच इट। इसी चाकू से ही तो नहीं। बिल्कुल वही तो वार्निश है जो शायद आपने इस दीवार पर किया था। है? इसी से क्रॉस डाला होगा लिफाफे पे पैसे। टोनी! सोच रहा हूं अगर इसमें लाल रंग डाल दिया जाए तो कैसा रहेगा। बस आइडिया हो गया मैम साहब। मेरे भैया का खून हुआ और उसी शनिवार को हुआ जिस रोज मुरारी का हुआ। क्या वक्त होगा जब गुरनाम ने मुरारी के पेट में छुरा भोंक के उसे दरिया में फेंक दिया? यही कोई सुबह के 10:30 बजे के आसपास। ठीक 10:30 बजे। हाँ 10:30 ही बजे थे। इसका मतलब है कि भैया का खून उसके बाद हुआ और 11 बजे से पहले हुआ, क्योंकि मिस्टर बांस के कहने के मुताबिक भैया 10 बजे घर से चलते हैं और आधा पौना घंटा तो लगता है घर से पाप तक पहुंचने में। ठीक 11 बजे कश्यप साहब वहां पहुंचते हैं और सिल्विया उनका अंदर जाने से रोक देती है और उसी वक्त गंगाराम को खिड़की के नीचे सड़क पर लिफाफा मिलता है। हो सकता है कि खून करने के बाद मुरारी की तरह तुम्हारे भैया की भी लाश दरिया में बहा दी गई हो। नहीं, पुलिस का कहना है कि उन्हें आज तक दरिया में कोई लाश नहीं मिली। हो सकता है शराब खाने के बाहर ले जाकर फेंक दी गई हो या दफना दी गई हो। पब से बाहर भी नहीं गई, क्योंकि कश्यप साहब का यह भी कहना है कि उन्होंने किसी को पब से बाहर निकलते नहीं देखा।
क्योंकि सिल्विया के रोक देने के बाद वो समीर के इंतजार में पब के बिल्कुल बाहर ही टहलते रहे। तो फिर इसका मतलब की है, लाश न दरिया में न पब के बाहर गई? इसका मतलब है कि लाश का राज जरूर शराब खाने के अंदर है। बंसी लौट आया, मैंने अभी उसे भारत से आए हुए जहाज से उतरते देखा। वो सबसे पहले गुरनाम से मिलेगा, मेरी और गौरी की असलियत का राज खोल देगा। हमें उन दोनों को मिलने और आपस में बातचीत करने से रोक देना चाहिए। मुझे एक प्लान सूझा है, बंसी को किडनैप करना है। अगर वो गुरनाम के पहुंचे तो बाहरी से धर लो, और अगर पब में पहुंचा तो पहले मैं और अनवर उसका घेराव करेंगे। अजी, उसका गुरनाम के करीब पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आप में से कुछ लोग पब के सामने वाले रेस्टोरेंट में मेरे फोन का इंतजार करोगे, और फोन मिलते ही पब के अंदर टूट पड़ोगे। उसके बाद दूसरा ड्रामा शुरू होगा जिसकी हीरोइन गौरी होगी। अपना पार्ट पूरी तरह से सुन लो, हिम्मत है ना? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा सानी साहब। आप लोग चलिए जल्दी। अजी की खास बात होगी कश्यप साहब। हमें शक है जिस लड़की को आप छुपा छुपा के फिर रहे हैं वो मिसेस गॉर्नम है, जिसकी हमें तलाश है। वो मिसेस गॉर्नम नहीं है, क्योंकि उसकी कभी शादी नहीं हुई। मैंने उसे एक विलन के हाथ में बिकने से बचाया है। अगर वो मिसेस गॉर्नम नहीं है तो इसका मतलब है वो मिसेस गॉर्नम के जाली पासपोर्ट पर आई है। हमें उसे भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप उसे भी लेके आएंगे अपने साथ? गुरनाम जानता है कि यही वो लड़की है जो उसकी बीवी बन के यहाँ पहुंची? नहीं, हम अभी उसे बताना नहीं चाहते। हमें कुछ और भी तहकीकात करनी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बहुत बड़ी खोज कर रहा हूँ और ये लड़की इस पे भागीदार है। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं न सिर्फ अपने भाई साहब के गायब हो जाने के राज से पर्दा हटा सकता हूँ, बल्कि एक इतना बड़ा रैकेट बेनकाब कर सकता हूँ जिसमें आपकी पुलिस फोर्स की तमाम मशीनरी लगी है। आज की शाम के लिए हम दोनों को छोड़ दीजिए, और अगर कल तक मैं नाकाम रहा तो एक मासूम लड़की को बहकाने के जुर्म में सरकार जो भी मुझे सजा देगी मैं मंजूर करूंगा। राइट। गुड मॉर्निंग गॉर्नम साहब। गुड मॉर्निंग टोनी, आज तो तुम हमसे ही बाजी ले। आज बस जरा जल्दी ले गई। अरे ये तो बूटा के पांव गया। लो बूटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? कम इन, ठंडे छत्ती खोलो। ओ कमाल है, आज पब में हम ही पहला आदमी है। ओ मिस्टर, तो खास शराब लाओ। आज फिर कहीं पटियाला के मूड में तो नहीं आए दोस्त? ओ जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। उस दिन हमने आपको पटियाला कहा और आपने हमारा पटरा कर दिया। हमने तो सुना था कि गुरुनाम जी की पब चल पड़ी है शराब खाना। कल हमारी तनख्वाह मिली है, हमने सोचा सवेरे सवेरे इनके पैमाने से हम भी एक घूट पिया है। वो जी, एक डबल पटियाला और एक घूट सोडा। अरे भाई गुरनाम साहब, कहाँ हो? बहुत अल्लाह सुन रहे हैं तुम्हारे इस पब का गुरनाम। अरे बंसीलाल, बहुत इंतजार करवाया प्यारे। आओ जी, आओ जी, आए न सच के यारों के यार आए हैं। पिलाओ जी पिलाओ, ने आज जी भर के सात समुंदर पार आए हैं। अरे यार, तुम यहाँ काम कर रहे हो? अरे बंसी जी, बंसी जी, यहाँ तो सब गोलियां गोलियां, डबल पटियाला डालो, पंजाब से आए हैं। आप दोस्त हैं, मित्र हैं। अरे आपके थोड़े हमारे भी मित्र हैं, इनकी आरती उतारो, आरती। अरे इनकी भलाइयां लो, भलाइयां। अरे नजर लगे ना साथियों, अरे हो, आज भरी महफिल मेरे कहीं ढोल न जाए दिल, इन गोरी गोरी में मुका। अरे नजर लगे ना साथियों, अरे हो, आज भरी महफिल मेरे कहीं ढोल न जाए दिल, इन गोरी गोरी में मुका। Thank you.
वहाँ मिले थे ठेके में अरे हम तुम कुछ दिन पहले, यहाँ मिले इंग्लिश में खाने में फिर देसी चले, अरे हुक्का बीड़ी पीते थे वहाँ बाद के रेशम पगड़ी, अरे कसके बूट पहन के सूटा बात करे कोई तगड़ी, यादे वादे सपने इरादे भूली बातें याद करा दे, सके भटके यूं ही अटके रहते हैं हम लटके, अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये दस्तूर पुराना हमने माना, आज भरी महफिल मेरे कहीं डोल न जाए दिल, इन गोरी गोरी में मौका समझ के आगे बढ़ना आज का ये एक दरिया, दिल वालों से मिलना हो तो बंदा ही एक दरिया हो, वहाँ वो जीवन साथी है यहाँ रोज नया सावरिया, वो भी ठीक तो ये भी ठीक है अपना अपना नजरिया, झूमर पायल बिंदिया का जल ना चुनरी है ना है आंचल, रोज बरस के उड़ जाता है ये अंग्रेजी हुस्न का बादल, तो पाटन के बीच में यादो साबुत बचान को आज भरी महफिल मेरे कहीं डोल न जाए दिल, इन गोरी गोरी में मौका हमको भेजा था अब किसको भेज के आए, अरे हम तो धक्के खा बैठे अब तुम क्या खाने आए, अरे बात करो कुछ खेतों की तुम जहाँ से होके आए, अरे यहाँ तो पल पल धुएं के मारे दम ही घुटता जाए, आओ आओ उन्हें पिलाओ सोए हुओं को जरा जगाओ, डरते डरते काम है करते बार बचे हैं मरते मरते, अरे आओ पियो मौज मनाओ मौका फिर नहीं आना लाना, आज भरी महफिल मेरे कहीं टोल न जाए दिल, दिल गोरी गोरी में मौका नजर लगे ना साथियों पर हो, आज भरी महफिल मेरे कहीं टोल न जाए दिल, दिल गोरी पीछा करो उन बदमाशों का, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। गौनम साहब, मैं अनवर की गाड़ी में उन बदमाशों का पीछा करता हूं, वरना बंसी का कुछ पता नहीं चलेगा कहां उड़ा के ले गए उसे, और भागते हुए उनमें से एक जेब से अखबार मिला जिसे शक पड़ता है कि प्रम यही तस्वीर वाली लड़की है जिसकी पुलिस को तलाश है। बात बंद कर दीजिए और लड़की को यहां से हिलने मत दीजिए, घबराना नहीं जैसे मैंने कहा वैसे करना। अगर अपना असली नाम नहीं बताओगी, लेकिन अगर प्यार से पेश आओगी और सब कुछ सच सच बता दोगी तो मेरी जान हम तुमसे प्यार करते हैं, डर किस बात का है? बता दे असली नाम क्या है? मैं कहता हूं बता दे असली नाम क्या है। अच्छा तो शबनम बोलती भी है? अरे यार थोड़ी विस्की और पियो। ओ यार विस्की तो ये डेली पीते हैं, आज अनवर के घर आए इन्हें पंजाबी ठर्रा पिला दो। कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कीजिएगा बंसी जी, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए ही आपको यहाँ रखा गया है, वरना इन लोगों ने आपकी लाश को कब का ठेम्स नदी में बहा दिया होता।
सरकार, देश से 10,000 मील दूर प्रदेश में लाकर इन्होंने आपको काम दिलवाया है और आप बदतमीजी करते हैं। इन्हें तुम्हें जिंदा रहना है, क्योंकि जिंदा नहीं रहेंगे तो बोलेंगे कैसे। मैं एक नंबर घुमाऊंगा और आप वही बोलेंगे जो मैं इस कागज पे आपको लिख के दूंगा। है पता नहीं, तो इसी में नचवा कर इतने कोड़े लगवाऊंगा कि सारी जिंदगी जिस्म पर निशान रहेंगे, समझे। मुझे गूंगी बनने का नाटक करने के लिए एक ऐसे आदमी ने मजबूर किया जो अपने आप को किसी समीर का भाई कहता है। समीर का भाई? वो इस शराब खाने के बारे में जानना चाहता है और समीर के बारे में भी, जो गुम हो चुका है। समीर का भाई? आगे बोलो, आगे। उसने कहा कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो वो मुझे पुलिस में दे देगा। मैं हवाई जहाज से उसके साथ भागी थी। कौन है वो आदमी, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है वो? उसका असली नाम वीर है। वीर? हाँ, आगे बोलो। वही रहता है जहाँ मैं रहती हूँ, एक बुढ़िया गुजराती लैंड लेडी की, यहाँ नंबर 20 प्रेयस रोड गोल्डन स्ट्रीट। गुरनाम स्पीकिंग। गुरनाम, मैं गुंडों के पंजे से छूट गया हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी साजिश का पता चला है। समीर सहानी का भाई वीर सहानी लंदन में ही है और शराब खाने पर अपना हक जमाने आया है। उसी ने गौरी को गूंगी सपने बनने पर मजबूर किया है। लेकिन तो गुजराती बुढ़िया मिसिस दिनचा के यहाँ पे इंगेज बनकर रह रहे हैं, जिससे मेरी इत्तफाक से बहुत अच्छी तरह से जान पहचान है। मैं इस वक्त उसी के घर से बोल रहा हूँ और पता ये है, 20 फरे रोड गोल्डर्स ग्रीन। तुम फौरन यहाँ आ जाओ, क्योंकि इस वक्त वो रास्कल यहाँ नहीं है। सुनो तो, कुछ सवाल मत पूछो गुरनाम, और फौरन यहाँ पहुँचने की कोशिश करो, वरना शराब खाने से तो हाथ धो ही बैठोगे, शायद जेल ही की हवा ना खानी पड़ जाए। पता फिर से सुन लो, मिसिस दिनचा, 20 फरे रोड गोल्डर्स ग्रीन। हम तुमसे प्यार करते हैं जानी, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यहीं बांध कर जाएंगे। बस थोड़ी सी तकलीफ और उठा लो हमारी खातिर, हम भी तो बहुत तरसे हैं तुम्हारे बिन। चलो नीचे। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, यहीं बांध कर जाऊंगा, समझे। हाँ, अगर लाश उसने कहीं दफना दी है तो ये चिट्ठी उसे उस तक लेके जाएगी। बस उसके हाथ में पड़नी चाहिए अनवर, बस उसे यहां तक पहुंचने दे यार। मिसेस दिनचा। बंसी अंदर है, मुझे उससे मिलना है। बंसी बाहर गया है सिगरेट लाने के वास्ते, तुमको मिलने का तो बाद में आओ। ए, ये क्या करता है? चार चार आदमी मिलकर दरवाजा बंद करते हैं विदाउट परमिशन, अंदर आते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? बंसी मेरा दोस्त है और मेरा नाम गुरनाम है। हाँ, गुरनाम। अरे बंसी, मैंने की डूटू कि गुरनाम आएगा तो उसको अंदर बिठाना। बैठो नहीं। अरे बैठो नहीं, गुरु क्या देखता है? तुम यहाँ अकेली रहती हो या और भी कोई है तुम्हारे साथ? तुम्हारा मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे साथ और भी कोई रहता है? नहीं, मैं तो पहले अकेली रहती थी, लेकिन जब से ये दोनों को पेन गैस रखा है ना, तब से मेरी नाक में डर्म आ गया है। देखो ना, तब से मेरी नाक कितनी मोटी हो गई है। मेरे को तो ये छोकरी बिल्कुल गाय लगती है एकदम, लेकिन वो आदमी बहुत हरामी लगता है, एकदम पक्का दर्जन 420। मैं तो पंसी को आज ही बोली कि वो वीरसानी है ना, वीरसानी, वो घोड़ी को खड्डे में डाल के भाग जाएगा। देखो ना, कमरे का क्या हालत बना के रखा है, देखो कपड़ा कैसा रखता है, एकदम गंदा आदमी। जब से आया मेरे को भाड़ा भी नहीं दिया है। मेरे को तो बहुत डाउट लगता है उसके ऊपर, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, कभी मेरे को देखता है, कभी इधर सुनता है कभी उधर सुनता है, कभी मेरे को सुनता है। आ जाएगा ना तो मैं दरवाजा भी नहीं खोलेंगे, अंदर आके पुलिस को फोन करेगा और उसको बार बार पकड़ा देगा, उसका सब कपड़े बेच के मैं पैसा कमाएंगा और उसको कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वीर सिंह सहानी,
है बुढ़िया, तुझे कुछ दिन और जिंदा रहना है कि नहीं? पूज्य पिताजी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं यहाँ पर एक पब का मालिक बन गया हूँ और मैंने अपने एक दोस्त गुरनाम को 33% की पार्टनरशिप दी है। आदमी की जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है और क्योंकि मामला परदेश का है इसलिए मैंने पब के कागजात और अपना वसीयतनामा फ्लीट स्ट्रीट के लॉयड्स बैंक लॉकर नंबर 55 में रखवा दिए हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो लॉकर की चाबी आपको मेरे ग्रे फ्लैनल कोट के अस्तर में मिलेगी। ये वही कोट है जो मैंने इस तस्वीर में पहन रखा है। लिखाई भी उसी की है और तारीख भी सही है। कागजात मेरे कब्जे में आना बहुत जरूरी है, फिर मुझे कोई छू भी नहीं सकता। वो हरामजादी सिल्विया मेरा बाल भी बीगा नहीं कर सकेगी। हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही कि शराब खाने के कागजात वकील स्मिथ के पास है। हाँ। अभी जाके कोर्ट के अस्तर में से वो चाबी निकालता हूं। ये तो वही कोट है जो उसने उस दिन पहना हुआ था। तो वहां है चाबी। तुम लोग यहीं ठहरना और बुढ़िया को इधर उधर हिलने मत देना। बंसी आए तो उससे कहना कि मैं उसका इंतजार करके चला गया। पकड़ लो, निकलने मत देना इन्हें। मैं हाँ साहब जी, बुट्टा सिंह नीचे दरिया के पास टहलते टहलते ऊपर आ गया। मैं अंदर काम कर रहा हूँ, ध्यान रखना कोई आने ना पाए। तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो जी। देखो तुम मेरे बहुत काम आए हो शराब खाने में, ये लो। थैंक यू गुरनाम साहब, तुसी बेतड़क अंदर चले जाओ जी, हवा भी नहीं अंदर आ सकेगी जी। इंडिया से दुल्हन भी मंगवा ली और मेरे साथ शादी का प्रॉमिस भी करते रहे। मुझे धोखा देकर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे छोड़ने का क्या लोगी? पब मेरे हवाले कर दो। नहीं तो? नहीं तो मत भूलो कि समीर के साथ पब की पार्टनरशिप के जो कागजात हैं, उसकी कॉपी समीर के पास भी थी, जो वकील को मालूम है और वकील मेरा है। अच्छा अच्छा, जो तुम्हारा जी चाहे करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। आउट। जाली दस्तखत के जुर्म में जेल भी जा सकती हूँ तुम्हें। आउट। फांसी लगेगी तुम्हें समीर के खून के इल्जाम में। यू विल बी हैंग। अगर मुझे फांसी लगेगी तब तू भी नहीं बचेगी। गवर्नम साहब, बड़ी मुश्किल में डाल दिया आपने। आपको फांसी लगेगी तो हम खाएंगे किधर से? ये खून वाली जो बात है ना, ये दबके रणजी दबके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे तो बाहर रखवाली करने के लिए कहा था। सिल्विया मेम साहब इधर छुप के बैठी थी ना, मैंने सोचा कोई दूसरा भी आ सकता है यहाँ, और पीछे का दरवाजा खुला था ना, मैंने सोचा यहाँ की रखवाली करना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, ये सारे पैसे लो, पीछे चले जाओ, जाओ। सारे पैसे? 50-60 pounds से क्या होता है गवर्नम साहब, धंधे का टाइम आया तो बूटा सिंह से मखौल करने लगे आप। गवर्नम साहब, आपका ये पब भी बना रहे, आपके सर पे खून का इल्जाम भी ना आए, इतनी ज्यादा वफादारी की कीमत तो तगड़ी होनी चाहिए, तगड़ी। अच्छा ये लो, इस वक्त जेब में इतनी है। और इससे क्या होता है गवर्नम साहब, अगर आपको समीर का हिस्सा चाहिए ना, तो अपना हिस्सा मुझको देना पड़ेगा। कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा? वो जो भी हो, हमको आप पे भरोसा है, आप ही बता दो ना, बात ही भरोसे की है। जल्दी फैसला कर लो गवर्नम साहब, आपको मालूम नहीं है आपके दुश्मन बदला लेने को लंदन पहुंच गए हैं। इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारी जबान बंद रहेगी? और स्टैंप पेपर पे लिखा लो, अंगूठा लगा देते हैं। ठीक है, मंजूर है, तुम्हें हिफाजत करनी पड़ेगी। चलो बाहर खड़े रहो, किसी को अंदर ना आने देना। तो फिक्र ना करो, बूटा सिंह के होते हुए हवा भी नहीं आ सकती, आदमी क्या चीज है। लेकिन एक बात याद रहे साहब जी, यहाँ से आप ऊपर आएंगे तो उसी वक्त कागज पे दस्तखत करा लूंगा मैं। हाँ, कोई अंदर ना आने पाए। और नहीं जी नहीं। बास्टर्ड, मुझे वापिस आने दे, मैं तुझे भी समझ लूंगा।
एक जरूरी काम से गुरनाम साहब से मिलने आया था, नीचे सेलर में गए हैं क्या? गौरनम साहब से बात करने कोई जरूरत नहीं वीर सानी, मुझसे बात कर ले क्योंकि इस पब का मालिक मैं भी हूँ। अब तेरा भी पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ। दूसरा रास्ता है पीछे नीचे लेन में जो सेलर की खिड़की खुलती है ना, मैंने उसकी सलाखें तोड़ रखी है। तुम तो जानते हो अपने धंधे में सब कुछ करना पड़ता है। तुम वहां से जा सकते हो। तुम्हारी फांसी के फंदे का जिक्र था को नाम। हाँ, चकमा दिया तूने कानून को, तुम्हारे दिन पूरे हुए। टोनी समझो समीर वापस आ गया है अपनी मौत का बदला लेने।
मेरे हाथ में बिजली का करंट है जो मुझे छू नहीं सकता, तुम्हें राख कर सकता है। पानी में बिजली की तारें जाएंगी, उसमें बिजली पैदा कर देंगी और बिजली तुम्हें पकड़ के बैठ जाएगी। स्टॉल फेंक दो, वरना तुमने देख ही लिया है कि ये तारे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं रबर और सूखी लकड़ी पर हूं और तुम पूरे गीले हो चुके। स्टॉल फेंकते हो या नहीं? मैं मेरी तरह। बस रोनी बस। अभी इसमें दो गोलियां बाकी हैं। मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा टोनी। माला माल मेरा भाई कैसे वापस करेगा? तू बदबख्त, तू समीर के भाई हो, तूने उसकी कब्र खोदी, अब तुम ही उसमें जाओगे। नहीं, और किसी के आंसू नहीं बहेंगे, बल्कि खुश होगी दुनिया के तुम जैसा कीड़ा कीड़ों के मुंह में गया। जिंदा कब्र में रहोगे तो पता चलेगा मौत क्या चीज है। इस खत के नीचे मैंने वीर के बदले अगर समीर के हस्ताक्षर कर दिए होते तो आप उसे समीर ही का खत समझते। बस यही समझिए कि समीर ही आपको लिख रहा है। समीर नहीं रहा, लेकिन मैं मरा भी नहीं, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई में मरने वाला हमेशा जिंदा रहता है। और समीर के पिता, उसकी मां, उसकी पत्नी और बच्चों को रोना नहीं है, बल्कि गर्व से सर उठा के चलना है कि समीर की आत्मा अमर है। जिन लोगों ने समीर और उसके विचारों का नाश करना चाहा, उनका खुद नाश हुआ और पुलिस के हवाले हैं। और एक सपना जो समीर ने यहां विलायत में आकर देखा था, वो पूरा हो गया। अकेला नहीं हूं मैं, अकेला नहीं हूं मैं, तेरे बिना संग मेरे तेरी याद है। हर मिलकर खिले फूल, हर रंग के बस यही मेरी